हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग सभी व्यूअर्स को जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं अभी धीरे धीरे जुड़ेंगे और मतलब मैं सब बाद में बोलूंगा लेकिन डेडिकेशन देख रहे हो आप मतलब समझ रहे हो सुबह सुबह कितने बजे उठा भाई तुम तो मैं तो यार मैं तो बहुत जल्दी उठ गया हूँ देखो यार मैं जल्दी वैसे भी उठता हूँ तो मेरे ए, ये सुबह सुबह तो मत झूठ बोलो भाई यार मेरे लिए नया नहीं था तुम सोते जल्दी हो नहीं भाई मैं रनिंग वनिंग करने जाता हूँ तो मैं उठ जाता हूँ जल्दी भाई चलो हम सुबह सुबह अब क्या बातें करें ये सब लेकिन रनिंग वनिंग करने जाते हैं सर सुबह सुबह चलो ठीक है रनिंग करते करते यहाँ पे आ गए हैं चलिए ठीक है लेकिन आप डेडिकेशन देख लो और अब जिस लिए हम आपके साथ जुड़े हैं वो है दो इवेंट्स मेन वो है एक स्क्वॉश इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और दूसरा है हॉकी इंडिया वर्सेस सिंगापुर तो भाई यहाँ पे हॉकी में तो हमने जबरदस्त शुरुआत करी है अपने सफर की एशियन गेम्स में बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं आयुष कि भाई कैसे करेंगे क्या करेंगे उज़्बेकिस्तान को हमने हरा दिया है बड़े ही आसानी से 16-0 दोनों पूल अगर हम देखें तो टीम इंडिया टॉप पर चल रहा है पूल ए पे सेकंड नंबर पाकिस्तान आता है पूल ए पर ही और पाकिस्तान ने सिंगापुर के अगेंस्ट 11-0 से जीत हासिल करी थी दूसरे तरफ पूल बी पे देखें तो साउथ कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया लीड कर रहा है लेकिन इतना गोल मार्जिन वहां पर नहीं है तो यार इंडियन टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट आज के दिन डे 3 है आज और कई दफा भिड़ने वाली है कई अलग अलग स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स में भिड़ने वाली है लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको बता देते हैं इंडिया वर्सेज सिंगापुर का हॉकी मैच चल रहा है और 6-0 की स्कोर लाइन से हाफ टाइम फिनिश हुआ है विवेक सागर प्रसाद मनप्रीत सिंह हरमनप्रीत सिंह मनदीप सिंह हार्दिक के हॉकी स्टिक से गोल आए हैं और भाई काफी शानदार गेम चल रहा है लेकिन एक चीज जो एक लैप्स है ना यार कार्तिक वो ये है कि अभी तक कुल 8 पेनल्टी कॉर्नर्स मिल चुके हैं जिसमें से सिर्फ एक कन्वर्ट किया है टीम इंडिया ने कन्वर्ट करा है तो, सिर्फ एक वैसे यार एक। देखा जाए तो मतलब मैं बता दूं अपने साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कि जितना ये रिकॉर्ड रहा है ना इंडिया का सिंगापुर के खिलाफ दो ही मैच खेले हैं वैसे हमने लेकिन दोनों जीते हैं वैसे खेले एक 1956 में था बड़े सालों पहले लेकिन वो वाला मैच भी जीते थे हम 15-1 से जीते थे वो वाला मैच हालांकि अभी उस हिसाब की विक्ट्री वापस से हम ले नहीं पाए हैं लेकिन ठीक है सिंगापुर तो नहीं जीता हमसे कभी भी एक बार भी तो दो मैचेस खेले हमने सिंगापुर के खिलाफ दोनों जीते हैं अभी इस टाइम पे क्या स्कोर था भाई आयुष 6-0 था हाफ टाइम के एंड होने तक और टीम इंडिया मेरे ख्याल से यार जो हमने उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट किया था ना सेम होने वाले यहाँ पर क्योंकि टीम इंडिया थर्ड और फोर्थ जो क्वार्टर होता है उसमें बहुत तगड़ा खेलती है मतलब ग्राफ्स काफी ज्यादा ऊपर है अपने मैक्सिमम 70% ऑफ द गोल जो आते हैं वो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में आते हैं लेकिन कंसीड भी कर लेती है लेकिन गोल आते हैं इससे ज्यादा मैटर कर लेते हैं मतलब ठीक है और सिंगापुर भी मतलब चाहेगा कुछ ना कुछ धंका करने का बिकॉज पाकिस्तान के खिलाफ हार गया अपना फर्स्ट राउंड में जो मैच तो हार गया था पाकिस्तान के खिलाफ लेकिन ठीक है देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते लेकिन देखो भाई यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं बता दें उनको कि मुश्किल है सिंगापुर का जीतना बड़े आसानी से हम जीत जाएंगे उज़्बेकिस्तान को हराया था 16-0 से इनको भी भाई आयुष बोल ही रहे हैं कि हरा देंगे लेकिन ठीक है अभी स्क्वॉश का क्या हालचाल चल रहा है भाई आयुष यार स्क्वॉश का अभी तक कोई ऐसा सच अपडेट नहीं आ रही है लेकिन बड़ा मुकाबला होना था पहले हमारी महिला ब्रिगेड कुछ देर में भिड़ेगी पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कि एक बड़ा मुकाबला होने वाला है आपको हमारी थंबनेल में भी नीचे दिखाई दे रहा होगा दीपिका पल्लिकल है देखेंगे वहां पे जोशना चिरप्पा भी देखने को मिलेंगी और आपने इंटरव्यू लिया था एक खिलाड़ी का अनाहत सिंह का जी तो भाई हमारे चैनल पर इंटरव्यू भी मौजूद है तो वो खिलाड़ी अनाहत सिंह यंग सुपरस्टार इंडिया के देखने को मिलेंगे आपको और अभी एक्वेस्ट्रियन चल रहा है ड्रेस इवेंट्स चल रहे हैं तो स्टार्टिंग की वॉल्ट है अभी जैसे ही अपडेट आती है हम आपको तुरंत जैसी हमें अपडेट मिलेगी हम आप तक अपडेट जरूर पहुंचाएंगे लड़कों जो मतलब नहीं पता जिनको लड़कों का इवेंट होने वाला है ये पूल ए का इवेंट है लड़कों का 7:30 यहाँ पे जो स्केड्यूल में देख पा रहा हूँ आयुष वो ये है कि 7:30 बजे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्क्वॉश का जो ये मैच है ये हो जाएगा शुरू दोनों एक्चुअली साइमल्टेनियसली चलेंगे मेंस का इंडिया वर्सेस सिंगापुर हम एक तो इंडिया वर्सेस सिंगापुर चल रहा है बहुत सारे इवेंट्स में इन दोनों की कंपटीशन देखने को मिल रहा है दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आज बहुत बार देखने मिलेगा हमें इनफैक्ट वॉलीबॉल में भी बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ वॉलीबॉल लाइव में जुड़े थे और यार कार्तिक कह रहे थे कि अब तो इंडिया बाहर हो गया जापान से हारने के बाद तो बता दे भाई आज 5th और 6th पोजीशन के लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच वॉलीबॉल मुकाबला है पाकिस्तान की टीम रैंकिंग में हमसे काफी ज्यादा अच्छी है 51 रैंकिंग है वर्ल्ड में मत बोलो और यार कुछ कुछ चीजों में तो अच्छे हैं वो तो बोल देते हैं नहीं बोलना एक कुछ चीजों में अच्छे बोल देते हैं भाई चलो ठीक मतलब
ठीक है लेकिन भाई 51 रैंकिंग है, फटाफट बता देता हूँ, 51 हाँ, रैंकिंग है वॉलीबॉल में पाकिस्तान की, इंडिया की रैंकिंग 73rd है, तो वहां पर एक कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो की कदकाठी में लगभग लगभग सेम और उनका गेम प्ले भी लगभग लगभग सेम है, तो तगड़ा कंपटीशन होने वाला है ओवरऑल, तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। जितने भी व्यूअर्स और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक और अपडेट दे देते हैं, फेंसिंग के बारे में अपडेट है कि भवानी देवी, जिनसे अच्छी खासी उम्मीदें हैं हमें फेंसिंग के रिगार्डिंग, वो अब राउंड ऑफ 16 में ही, शी इज थ्रू टू द राउंड ऑफ 16, तो यहाँ पे जबरदस्त परफॉर्म करा उन्होंने, सारे अपने जितने भी पूल मैचेस थे ना भवानी देवी के, उन्होंने सारे मैचेस जीत लिए हैं। भवानी देवी भाई, यहाँ से आप इनसे मेडल एक्सपेक्ट कर सकते हो, और भवानी देवी ने बड़े ही आसानी से अपने सारे के सारे पूल मैचेस जीत लिए हैं, और सबसे बड़ी बात आयुष, यहाँ पे अब राउंड ऑफ 16 में ना शिल विद नंबर वन सीड, नंबर वन सीड की तरह एंटर करेंगी राउंड ऑफ 16 में, तो भाई मतलब लगा लो एक और मेडल। यार मेरा मेडल तो देखिए पक्का है, हम मेडल तो 100 पार एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार, तो भाई अच्छा, कोई नहीं, 100 पार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, 100 बस 100 150 बस ज्यादा नहीं, ज्यादा तो हम मांगते नहीं है, कभी नहीं बोले यार बोलते तो, नहीं वही है, लेकिन पता है मैं सीड वीड ना भूल गया हूँ कल के बाद से, क्योंकि कल टेनिस का मैच था, रोहन बोपन्ना और यूकी भांबरी टॉप सीड है, गोल्ड मेडल अपना बचाने के लिए उतर रहे थे, फर्स्ट राउंड खेल रहे थे राउंड ऑफ 16, पहले ही उसमें हार गया, 2-1 से हार के बाहर हो गए मेंस डबल में, तो भाई अब आपको मिक्स डबल में इनकी जोड़ी हालांकि देखने मिलेगी, लेकिन एक बड़ा अपसेट, क्योंकि हम रैंक मतलब टॉप सीड भी थे और सेकंड सीड भी इंडिया की है, राम कुमार रामनाथन के साथ जोड़ी बना रहे, तो यार टॉप सीड हार गई, तो भवानी देवी टॉप सीड है, लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सच में नहीं बोलूंगा, जब फाइनल होगा तो बोलूंगा, लेकिन यहाँ पर हॉकी में शुरू हो गया मैच वैसे भाई, थर्ड क्वार्टर शुरू हो गया है, मनदीप के पास गेंद है, नहीं सिंगापुर के खिलाड़ी के पास गेंद है, और अच्छे से बॉल ड्रिबल करके ले जा रहे हैं, और अभी एक्रोबैटिक हो रहे हैं थोड़ा सा, मेरे को यार मैं पता क्या लग रहा है, वैसे सोचा जाए आयुष तो मतलब अब ना मेरे ख्याल से इंडिया धीरे धीरे कैचअप कर रहा है, वैसे कैचअप तो हमने बहुत देर पहले कर लिया था लेकिन हमने एक्चुअली सिर्फ कैचअप ही करा है, बिकॉज दिक्कत यह है कि जब तक एस्ट्रो टर्फ इंट्रोड्यूस किया गया, फिर फिजिकलिटी को फेवर करने लग गया इन यूरोपियन प्लेयर्स के, तब तक हम कैचअप करते रह गए, तो अब हमने जब कैचअप कर लिया है, लोग अब इसके यूज टू हो चुके हैं एस्ट्रो टर्फ के, तो फर्क बस इतना ही होता है, लेकिन हालांकि अब हमने पिछले कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स में देखा, हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में देखा, वर्ल्ड कप में हालांकि हमारा 9th place था मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी एक रिजुविनेशन इंडियन हॉकी का जरूर है, लड़कियां महिलाएं भी अच्छा खेल रही हैं इंडियन हॉकी में, देखते हैं क्या हो रहा है, अभी तक तो देखो दो परफॉर्मेंसेस हैं सिंगापुर को, मैं इतना बड़ा महिलाएं दिखेंगी आपको सिंगापुर के ही अगेंस्ट दिखेंगी, इंडिया वर्सेस सिंगापुर वेमेन्स टीम का मैच होगा हॉकी में, अपने कैंपेन की शुरुआत भी कर देंगे, लेकिन अभी स्ट्राइकिंग सर्कल पर ललित उपाध्याय के पास गेंद, इसके बाद आती है मनप्रीत हरमनप्रीत के पास गेंद, और मिस कर गए मनप्रीत सिंह, और भाई मेडल टैली एक बार ही बता देते हैं लोगों को, जिनको नहीं पता मेडल टैली, तो भाई लोगों मेडल टैली सितंबर 25 डेट 2 के बाद जो मेडल टैली है, इंडिया अभी तक 6 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है, 3 जीत चुका है सिल्वर, और 2 गोल्ड मेडल जीत चुका है भाई, तो ये भी बता दो भाई कहां कहां क्या क्या जीता है आपने, तो खोल ही लिया सारा कुछ, अरे तेज है बहुत तेज है तू, ओके आयो तो भाई सबसे पहले तो डे 1 पर आशी चौकसी, मेहुली घोष, नमिता जिंदल ने स्टार्ट अच्छा दिया था शूटिंग से, शूटिंग में आए 5 अभी तक मेडल, 5 मेडल आए रोइंग से, 1 मेडल आया क्रिकेट से, भाई सिल्वर मेडल ग्रैब किया था अर्जुन लाल और अरविंद सिंह की बात करें तो सिल्वर ग्रैब किया था मेंस लाइटवेट डबल स्कल रोइंग इवेंट में, रोइंग में ही बाबूलाल यादव और लेख राम से आया था ब्रॉन्ज, मेंस 8 रोइंग में नीरज नरेश कल्याण और जितेश कुमार चरणजीत जसविंदर पुनीत आशीष ड्यू इन्होंने दिलाया था हमें सिल्वर, इसके बाद विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में शूटिंग में आया था रमिता जिंदल ने दिलाया था ब्रॉन्ज, और 24 पे नहीं तो मैं यहाँ पे बोल नहीं पाऊंगा फिर इसके बाद शूटिंग में कल के दिन एक बहुत बड़ा मेडल गोल्ड मेडल आया था, इंडिया का पहला गोल्ड मेडल था एशियन गेम्स 2023 का, रुद्राक्ष पाटिल ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर दिव्यांश सिंह पनवा मेंस 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने शूटिंग में गोल्ड दिलाया था, और जसविंदर सिंह भीम सिंह और पुनीत आशीष मेंस 4 रोइंग में ब्रॉन्ज, परमिंदर सिंह सतनाम जाकर सुखमीत ने मेंस क्वाड्रुपल रोइंग में ब्रॉन्ज, इसके बाद शूटिंग में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के हाथ से एक और ब्रॉन्ज मेडल आया था, हालांकि अपसेट था वहां पर क्योंकि दिव्यांश पनवर और यहां पर रुद्राक्ष पाटिल भी कंटेंजेंसी में जरूर थे मेडल की, लेकिन कोई बात नहीं अपसेट हो गए, अब इनको 25 मीटर पिस्टल राउंड और राइफल राउंड में भी देखने को मिलेगा, मेंस 10 मीटर एयर राइफल में
शूटिंग से ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ब्रॉन्ज दिलवाया था। इसके अलावा मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम इवेंट में शूटिंग में आया था ब्रॉन्ज मेडल। अब कब खत्म होगा? क्रिकेट में नाम ही है ऐसे 8-8 मेंबर्स के, वो है बताओ क्या करूं मैं। अरे नहीं नहीं तो मेंबर में तो गेम बताओ बस। इंडियन क्रिकेट टीम, विमेंस क्रिकेट टीम ने गोल्ड हासिल किया था श्रीलंका को हराकर। काफी ज्यादा थ्रिलिंग मैच था यार वो, बड़ा बड़ी मुश्किल से गोल्ड मिला हमें इतनी मेहनत करने के बाद। दिव्यांश पनवर और रमिता जिंदल ने क्वालिफाई कर लिया है ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए। मतलब एक ब्रॉन्ज तो पक्का है यहाँ से, शूटिंग में आपको थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा। पक्का है? पक्का है, ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और पक्का कैसे है फिर? और क्योंकि पक्का इसीलिए यार क्योंकि यहाँ से ब्रॉन्ज का कलर भी चेंज हो सकता है। हा? अगर हाँ ब्रॉन्ज का कलर चेंज करके टॉप टू में भी क्वालिफाई कर सकते हैं ना, अच्छा स्कोर करेंगे तो टॉप टू में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो भाई नहीं तो ब्रॉन्ज ही जीतेंगे ना अगर जीतेंगे तो। मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया मतलब टॉप थ्री में। वही तो, अब टॉप थर्ड ही आ सकते हैं ना, कलर थोड़ी चेंज होगा, जीतेंगे तो ब्रॉन्ज ही ना बस। नहीं नहीं तुम समझ नहीं रहे हो, मतलब ऐसा होता है ना कि जिसके सबसे कम पॉइंट होते हैं सबसे पहले तो टॉप 30 शॉट्स लगाने होते हैं 15 मिनट के अंतराल पे। तो ये मैच तो जीतेंगे वो कौन सा मेडल जीतेंगे? ये अगर ये हार गए यहाँ से तो बाहर, तो नहीं तो मतलब चौथे प्लेस के लिए तो ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगे। ये इसमें चौथा नहीं होता, ओ, अच्छा होता है। ऐसा ठीक, इसमें अब टॉप थ्री में आ गए हैं मतलब एक मेडल पक्का हो गया, तो ब्रॉन्ज मेडल कम से कम पक्का हो गया। अच्छा, अगर सेकंड पे आ जाते हैं लीड लेके तो सिल्वर, और फिर तो भाई तो इसको ब्रॉन्ज मेडल का नाम भी देते, नाम इसका बदलते क्यों नहीं है यार? क्योंकि फिर वो जाता है ना टॉप थ्री में पहुंच गए तो एटलीस्ट मेडल पक्का हो गया, मेडल पक्का हो गया, मेडल पक्का। यार रमिता जिंदल वैसे कितने मेडल जीतेंगी? ये 19 साल की लड़की है बस, और जिनको नहीं पता बता देते हैं, मैंने रील कर रही थी ना भाई, तो देखो भाई जिनको जिनको नहीं पता बता देते हैं, अकाउंट्स की स्टूडेंट हैं रमिता जिंदल, ठीक है। और 2016 में इन्होंने अपनी जर्नी ये शूटिंग की स्टार्ट करी थी, जगबीर सिंह इनके कोच थे, फादर की मदद से इन्होंने शूटिंग की जर्नी अपनी स्टार्ट करी। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल भी जीत चुकी हैं रमिता जिंदल। तो भाई अभी तक तो जितना इनका सफर रहा है, क्योंकि ये टीम इवेंट में भी ट्रिपल 10 मीटर राइफल इवेंट में भी जीत चुकी हैं एक बार, तो भाई क्या है क्या नहीं है वो चल जाएगा पता कैसे है कैसे नहीं है। इल्यूजन भाई है, अरे वेलकम वेक इल्यूजन भाई, देश की जनता, यंग लैड। स्कोर लाइन क्या है भाई? स्कोर लाइन 6-0। सुनील भाई मुझे एक बात बताओ, आप आओगे कब? हेल आई वांट टू इनसाइड हेल इन सेल। लेकिन स्कोर लाइन भाई चल रही है 6-0 इस वक्त, भारतीय टीम लीड कर रही है। थर्ड क्वार्टर है, 10 मिनट का समय अभी शेष है थर्ड क्वार्टर खत्म होने में। टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह के पास बॉल, रोटेट कर रहे हैं लगातार, प्लान चेंज किया है राइट कॉर्नर। ना इंसाफी है भाई, आयुष क्या हो गया सिंगापुर के साथ यार? ये उनको बॉल नहीं दे रहे अभी, और आएगी ये अगर नहीं, ये अगर कोई मतलब नॉर्मल लेमैन बंदा देखे है तो वो बोलेगा भाई हमारी हमारी हॉकी इतना प्रोग्रेस कब कर गई। जिनको पता नहीं है कि सिंगापुर कैसी टीम है तो ये तो वो बोलेंगे कि भाई अपन तो सबको हरा देंगे यार, ये ऐसा खेल खेल रहे। टीम इंडिया इतनी ज्यादा सॉलिड है इस वक्त पे। टीम इंडिया ने अभी एशियन चैंपियनशिप हुई थी, वहां पर भी गोल्ड मेडल ग्रैब किया था, पाकिस्तान को हराया था वहां पर, दो दो बार हराया था, एक बार तो छोड़ दो, दो दो बार हरा दिया पाकिस्तान को। तो ओवरऑल हमारे इरादे इस टाइम ना बुलंद चल रहे हैं, और इरादे ही हैं बुलंद। हाँ बस ये मैं कहना चाहूंगा, हाँ। क्योंकि अभी तो एशियन गेम्स है, मैं यही एक बार आयुष सिर्फ एक बार परफॉर्मेंस रिपीट हो गई ना वर्ल्ड लेवल पे, ओलंपिक्स पे या वर्ल्ड कप जैसी स्टेज पे एक बार रिपीट हो गई, तो मैं बता रहा हूँ ये सब जितने भी स्पॉन्सरशिप की जितनी भी गेम है ना ऐसे बदल जाएगी ना फटाफट, पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे भाई हॉकी हमारी नेशनल गेम है ना, तो फिर वो एक बहुत जल्दी हालात जज्बात बदलते होते हैं, बस एक बार आपको जीतने की जरूरत है यहाँ पे। और मैं एक बार लोगों को ये बताना चाहूंगा भाई कि अभी तक टॉप पे कौन चल रहा है, कौन सा देश इस टाइम पे टॉप पे चल रहा है मेडल टैली के मामले में सितंबर 25 बताने की जरूरत है क्या? हाँ यार मतलब हाँ मैं खुद देखने की जरूरत पड़ेगी मुझे, लोगों को बताने की जरूरत पड़ेगी, मतलब नहीं पहला तो पता है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। थोड़ी मैच पे बात कर ले रही क्योंकि टीम इंडिया को पेनल्टी कॉर्नर मिला है, मेरे ख्याल से 10वां पेनल्टी कॉर्नर है। ललित उपाध्याय है इंजेक्टर और फर्स्ट बैटरी ललित, दूसरे विवेक, और दूसरे पे एक बार फिर से पेनल्टी कॉर्नर लगातार देते जा रहे हैं। एक ही कन्वर्ट करा अभी तक इन्होंने, हाँ एक कन्वर्ट किया, और हरमनप्रीत को एक और बार मिलेगी फर्स्ट बैटरी पे। अमनप्रीत हैं डिफेंडर, विवेक सागर प्रसाद फर्स्ट बैटरी, सेकंड बैटरी पे हरमनप्रीत सिंह, इंजेक्टर है ललित उपाध्याय। तो देखना होगा क्या टीम इंडिया कन्वर्ट करके सेवेंथ गोल अपना ग्राब कर सकता है थर्ड क्वार्टर का या नहीं। एक बार फिर से और ड्रैग से एक और गोल भाई, गोल हो गया है सेवेंथ गोल।
डिफ्लेक्शन से आया बहुत यार, बहुत ज्यादा वो है स्किल डिफरेंस, बहुत ज्यादा स्किल डिफरेंस है क्योंकि ये थर्ड क्वार्टर चल रहा है ना ये जो अभी थर्ड क्वार्टर में देखो, हालांकि ये दसवां पेनल्टी कॉर्नर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है हॉकी की गेम के हिसाब से, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप है यार स्किल लेवल में, दिख रहा है गैप। और मनप्रीत सिंह बाहर जा रहे हैं यहाँ पे इंडिया के नंबर सात, गैप दिख रहा है यहाँ पर। तो रोटेशन होता रहता है यार, गोल जो मारता है वो रोटेट करके बाहर जाता है और नया खिलाड़ी आ जाता है, इसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन टीम इंडिया ने अभी तक 10 के आसपास पेनल्टी कॉर्नर्स लिए हैं, और अभी तक जो देखा गया है यार कार्तिक, वो ऐसा रहा है कि पेनल्टी कॉर्नर्स पे हम स्कोर नहीं कर पा रहे। हमने मान लो 10 में से एक कन्वर्ट किया है, और जो 11वां था उसमें हमें डिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ गई थर्ड क्वार्टर में। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगापुर के जो गोलकीपर हैं पूरी पढ़ के आए हैं, पूरा रिवीजन करके आए कि टीम इंडिया कहाँ कहाँ खेलता है। सबसे पहले तो राइट कॉर्नर पे ज्यादातर बेचारे कुछ तो खेलेंगे ना यार, कुछ तो खेलेंगे। इस टाइम पे हालत खराब हुई पड़ी है इन लोगों की, लेकिन ठीक है। और स्कॉश पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्कॉश का मुकाबला शुरू होने वाला है, और एक्वेस्ट्रियन के भी मुकाबले चल रहे हैं, उसका भी इवेंट आपको जरूर बताएंगे। और यहाँ पे मैं वापस आना चाहूंगा भाई इस पे, जो मेडल टैली थी देश की, और इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया कहाँ पे है इस टाइम, तो इंडिया है छठे नंबर पे इस टाइम पे। टोटल हम 11 मेडल जीत चुके हैं, जैसे भाई ने आपको पूरे नाम नूम पढ़ के बता दिए, उस हिसाब से 6 ब्रॉन्ज 3 सिल्वर 2 गोल्ड। लेकिन फर्क आप अगर देखेंगे इंडिया में और नंबर वन जो कंट्री है इस टाइम पे चाइना, बहुत ज्यादा हम 11 मेडल टोटल जीत चुके हैं, और चाइना 69 मेडल्स जीत चुका है। हम 11 मेडल जीत चुके हैं और चाइना ने 21 ब्रॉन्ज 21 सिल्वर जीत लिए है भाई, 39 गोल्ड छोड़ दो तो कोई बात नहीं। विमेन स्क्वाश में कितनी टक्कर देगा पाकिस्तान, अरमान कादियान भाई पूछ रहे हैं। मेरे को नहीं लगता सारा टक्कर देने वाले। अनाहत सिंह, इंडिया के अनाहत सिंह खेल रही है पाकिस्तान की स्क्वाश प्लेयर के साथ, थोड़ा सा वार्म अप चल रहा है और उसके बाद मैच शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ टीम इंडिया हॉकी में एक्शन दिखा रहा है, 8वां गोल मार दिया शमशेर सिंह ने, इससे पहले वाला गोल आया था इंडिया के फॉर्मर कैप्टन मनप्रीत सिंह के स्टिक से। तो भाई शमशेर सिंह, मनप्रीत सिंह के भी खाता खुलता हुआ, हालांकि मनप्रीत एक पहले भी गोल लगा चुके थे, तो उनके 2 गोल हो गए। इसके अलावा शमशेर ने टैली पे अपना नाम दर्ज करा लिया है गोल टैली पे। इसके अलावा ललित, और यहाँ पे नहीं एक और है खूब शर्मा साहब है, वो बोल रहे हैं 15 गोल करेंगे कम से कम सिंगापुर के अगेंस्ट, कर देंगे मेरे ख्याल से, क्या ही है। और थोड़ा पेनल्टी कॉर्नर 10+ जितने भी हो गए, मैंने काउंट नहीं किया, सॉरी। तुम्हारी बातों का ना बुरा माना जा रहा है, अब देखना तुम आते आते ना इनका जो कन्वर्जन रेट होगा तुम देखना क्या होगा, खत्म होते होते मैच। यार देखो यार, मैं तो चाहता हूँ बुरा लग जाए और गोल मारना शुरू कर दे, मैं बस। तो ये चाहता हूँ यार, दिक्कत की बात है। और गोल डिफरेंस यार काफी ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान की टीम खेलेगी उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट, तो वो छोड़ने थोड़ी वाली है। बिल्कुल इंडिया से कम है 19 है, लेकिन 18 नहीं है। तो भाई ऐसा चल रहा है यहाँ पर। स्क्वाश, अनाहत सिंह इंडिया की यंग सुपरस्टार खिलाड़ी आपको देखने मिलेंगी। स्कोर कार्ड चला दो भाई, स्कोर कार्ड चला दे, स्कोर कार्ड चलाना पड़ेगा एक्चुअली हमें चला देते हैं स्कोर कार्ड भी। कैफ स्कोर कार्ड हो सकता है, स्कोर कार्ड अगर आपने मना किया तो 6 महीने बाद कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हाँ अरे उस पे देख लो, उस पे जो हमारा लाइव ब्लॉग चल रहा है उस पे देखो कुछ कर सकते हैं कि नहीं भाई। जरूर आपके लिए स्कोर कार्ड चलाया जाएगा कुछ ही देरों में। लेकिन यहाँ पर इंजर्ड होते हुए सिंगापुर के खिलाड़ी, 10 नंबर की जर्सी अच्छी मानी जाती है प्लेयर के नजरिए से। लेकिन दूसरी तरफ स्क्वाश का एक्शन चल रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दूसरी तरफ आपको सौरभ घोषाल भी देखने को मिलेंगे मेंस में सिंगापुर के अगेंस्ट, लेकिन ये बड़ा मुकाबला विमेंस कैटेगरी में हो रहा है स्क्वाश में अनाहत सिंह इंडिया की, दूसरी तरफ पाकिस्तान की खिलाड़ी है। अब देखना होगा कौन सुपरस्टार यहाँ पर ज्यादा बाजी मारता है। टीम इंडिया, अनाहत सिंह स्ट्राइक करेंगी सबसे पहली बॉल, और मैच शुरू होता हुआ इनिशियल रिएक्शन, और पहला पॉइंट इंडिया को मिल गया है यहाँ पर। पहला पॉइंट इजीली दे दिया गया है, और मतलब बहुत ही कैजुअल था, बहुत ही ज्यादा कैजुअल। पहला पॉइंट मिल गया है बिल्कुल यार। पदयार गेमिंग भाई आपके लिए स्कोर कार्ड जरूर डिस्प्ले कर देंगे। और ये स्क्वैश यार अच्छा गेम है, मजेदार गेम है। यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, जो आपकी बाउंड्री लाइन है उसके अंदर बॉल को हिट करके, सॉफ्ट बॉल होती है, अच्छा रैकेट होता है, तो भाई यही चलता रहता है। और जो भी सर्वर होता है
जो सर्व करता है वो राइट साइड से सर्व करता है बॉक्स के अंदर से, और बाकी तो सब ठीक ही है। यहाँ पे ना मैं आयुष एक बात और बोलना चाहूंगा, यहाँ पे हम स्कॉच की बात तो कर ही रहे हैं लगातार और गेम्स की जो चल रही है बात कर ही रहे हैं लगातार। हम बार बार बोलते हैं, जैसे हम चाइना और इंडिया को कंपेयर कर रहे थे, अभी चाइना 39 मेडल जीत चुका है टोटल, हमने जितने जीते हैं उससे ज्यादा वो सिल्वर जीत चुका है ना। तो हम बार बार ये बोलते हैं भाई की स्किल्स लेवल का फर्क है, हाँ फर्क है, लेकिन देखो खर्चा करने में भी फर्क है। जितना इस समय मैं आपको अगर एक पर्सपेक्टिव दूं, इंडिया का जो लेटेस्ट स्पोर्ट्स एलोकेशन था, बजट था, वो था अराउंड आप 3070 करोड़ लगा लीजिए, ठीक है। तो ये था इंडिया का बजट, पूरा का पूरा स्पोर्ट्स बजट, अब इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, सब कुछ 3070 करोड़ पर साल, ये है इंडिया का स्पोर्ट्स बजट। वहीं पे जो इस समय नंबर एक पे चल रही है टीम चाइना, उनका बजट मैं आपको बताऊं तो वो है कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए, ये ऑलमोस्ट 200 टाइम ज्यादा है इंडिया से। तो फिर मेडल भी उस हिसाब से आ रहे हैं यो, तो ये जो जब आपको इस हिसाब से बजट मिलना शुरू हो जाएगा ना, तो ये स्किल लेवल तो हम ऐसे नहीं बोलते इनक्रेडिबल इंडिया, गली गली में सच में चैंपियन है इंडिया में, तो वे बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यार पैसा उस हिसाब से खर्चना होगा, हालांकि हमारी जो स्पोर्ट्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं उस हम देखते हैं कि वो स्पोर्ट्स की बातें ज़्यादा कम ही करती हैं। इस बार भी अगर मेंशन किया था स्पोर्ट्स बजट में तो ई स्पोर्ट्स को ही मेंशन किया था बस, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे घर पे खेलती हूँ ना, धीरे धीरे सब बदलेगा, जरूर बदलेगा धीरे धीरे। हालांकि इंक्रीज हो रहा है, हाईएस्ट एलोकेशन मिल रही है स्पोर्ट्स को रीसेंट बजट्स में, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए वो चलो बाद की बात है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन अब हम आते हैं वॉच अलोंग पे, अब हम करेंगे वॉच अलोंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और एट द सेम टाइम इंडिया वर्सेस सिंगापुर के बीच जो हो रहा है मुकाबला हॉकी में, उसका भी हॉकी एक्शन। थर्ड क्वार्टर की समाप्ति, इंडिया को एक और पेनल्टी कॉर्नर, यहाँ पर हरमनप्रीत इंजेक्टर और एक और गोल, भाई इजी गोल यहाँ पर हरमनप्रीत कौर ने, हरमनप्रीत सिंह ने ले लिया है अपने पास। एक तो दो हरमन है ना, क्या करूँ बताओ, हरमनप्रीत सिंह ने ले लिया, हरमनप्रीत सिंह ने ले लिया एक और गोल से आता हुआ। ललित उपाध्याय एक बार फिर से शानदार इंजेक्टिंग की, फर्स्ट बैटरी पे रोका अभिषेक ने, दूसरी तरफ शानदार ड्रैग फ्लिक का नमूना पेश किया। हमेशा राइट कॉर्नर पर जाते हैं, लेफ्ट कॉर्नर पर गए इस बार, तो लेफ्ट कॉर्नर पर वहां पर जो पोजीशन थी अपनी को, अपने कोई खुद को चकमा दिया सबसे पहले तो, और फिर खुद जब खुद को चकमा दे दिया तो सिंगापुर के गोलकीपर को तो आप दे ही दोगे, जो कि काफी रिवीजन करके आए। शर्मा साहब आपकी बात ना सही होने वाली है यहाँ पे, मेरे को लग रहा है 15 तो क्या ये 20 ना हो जाए खत्म होते होते, बिकॉज कितना टाइम पड़ा अभी क्वार्टर थ्री को खत्म होने में, अभी 6 मिनट पड़े हैं भाई, तो हो जाएंगे क्योंकि जिस तेजी से कर रहे हैं गोल, और पोजीशन है ही नहीं सिंगापुर के पास बिल्कुल भी, वो आ रहे हैं लेके जा रहे हैं, अभी वो कहते हैं ना गुंडागर्दी करना, तो इंडिया इस टाइम पे गुंडागर्दी कर रहा है यार, तो बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। पद्यार गेमिंग भाई स्क्वैश अगर आप सोनी लिव ऐप पर देख रहे हैं तो स्ट्रीम 2 पर अवेलेबल है स्क्वैश का एक्शन, आपको देखने मिल जाएगा। टीम इंडिया के अनाहत सिंह जो कि 10-5 से लीड कर रही है सादिया गुल के अगेंस्ट पाकिस्तान की, फर्स्ट सेट चल रहा है, बेस्ट ऑफ 3 का सेट होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेट अपने नाम कर लिया है ऑलरेडी, फर्स्ट सेट अपने नाम करते हुए 11-5 से अनाहत सिंह इंडिया की, सादिया गुल आसपास भी नहीं थी, गुल कर दिया उनको अनाज सिंह ने। और जिनको जिनको लगता है कि भाई स्कॉश इतना मतलब वो नहीं है, हार्ड गेम नहीं है, तो ये जितना एंड्योरेंस और स्टैमिना स्कॉश में चाहिए ना, वो मेरे ख्याल से बहुत कम स्पोर्ट्स में चाहिए रहता है, उतना स्टैमिना उतनी एंड्योरेंस। शर्मा साहब और पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है यार, ये देखो हॉकी में एक्शन खत्म नहीं होता है, टीम इंडिया को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ, एक बार फिर से इंजेक्ट करेंगे ललित उपाध्याय, फर्स्ट बैटरी पर नजर आ रहे हैं हरमनप्रीत सिंह, दूसरी बैटरी पर विवेक सागर प्रसाद, और हरमनप्रीत एक फेस से डिफ्लेक्शन और एक और गोल, 10वां गोल होता हुआ, 5-5.5 मिनट बचे हैं थर्ड क्वार्टर में अभी खत्म होने में, और एक और हरमनप्रीत सिंह के स्टिक से आता हुआ इंडिया के लिए 10वां गोल, और सेम पोजिशन इस बार राइट लेफ्ट कॉर्नर टॉप पोजीशन पर मारा था, और ये डिफ्लेक्शन ओन गोल, ये मेरे को लग रहा है सिंगापुर के जो गोलकीपर है वो डॉज बॉल खेल रहे हैं भाई, क्योंकि ये तो बचाने का प्रयास था ही नहीं, ये तो वो डॉज कर रहे थे यार, एक्चुअली काफी ज्यादा हाई लूप था और लिफ्ट कर रही थी बॉल टॉप कॉर्नर पे मारने का प्रयास। मेरा कहने का मतलब है वो अपना हाथ तो ऊपर लेके जा सकते हैं ना, बिल्कुल अपना फेस पीछे करने के बजाय हाथ तो लेके जा सकते हैं, ये तो बेसिक गोलकीपिंग होती है 101, जब आपको सिखाते हैं कि आप हाथ जरूर अपने ऊपर करिए जब आपको बचाना है, तो देखते हैं क्या कर रहा है सिंगापुर, लेकिन भाई इस टाइम पे तो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। इंडिया के खिलाड़ी को मिला है येलो कार्ड, अब मिलेगा 5 मिनट का, कम से कम 5 मिनट का
की फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ेगा उससे? हाँ, फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ जो फील्ड पोजीशन आपने ली होती है वहां पर लैप्स हो जाता है और वहां पर किसी और को ऑक्यूपाई करना पड़ता है वो स्पेस। लेकिन इस वक्त बॉल जो है वो है भारतीय टीम के स्टिक पर और भारतीय टीम के पाले पे, और टीम इंडिया अभी तक तो यार काफी संभल के खेला है, चांसेस अभी तक एक भी नहीं दिए, एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी है कि एडवांस करने दिया जाए सिंगापुर को। मनदीप सिंह, गुरजंत सिंह, जर्मनप्रीत सिंह के पास बॉल, हरमनप्रीत सिंह है, अब सब सिंह ही है यहाँ पर। कितने जर्मनप्रीत सिंह कौन था भाई, ये जिनके पास बॉल थी राइट पोजीशन पर खेल रहे हैं, हरमनप्रीत, जर्मनप्रीत, मनदीप सिंह, मनप्रीत सिंह, सब है भाई यहाँ पर। एक बार फिर से टीम के कैप्टन, बॉल आई है अभिषेक के पास, अभिषेक से गया नंबर 7 मनप्रीत सिंह के पास, मनप्रीत सिंह से वापस शमशेर सिंह के पास, भाई सब सिंह है, क्या बोलूं, सिंह बोल दूं मैं और गुरजन सिंह, देखने को मिलेगा भाई। हार्दिक के पास बॉल, हार्दिक कहाँ है आप, हार्दिक सिंह के पास बॉल, एक बार फिर से वापसी करते हुए जर्मनप्रीत सिंह, हार्दिक, हार्दिक से फिर से मनप्रीत, और यही चल रहा है, थोड़ा सा गैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सिंगापुर के खिलाड़ी इतने अब कॉशियस हो गए कि भाई आ नहीं रहे। दूसरी तरफ इंडिया ने दूसरे सेट में, इंडिया के अनाहत सिंह ने दूसरे सेट में 4-1 से लीड ली हुई है और इजी गेम होने वाला है। ये ऑब्स्ट्रक्शन है मेरे ख्याल से, ऑब्स्ट्रक्शन दिया जाएगा, कॉल है ऑब्स्ट्रक्शन का और अनाहत के फेवर में जाएगा। अरे वाह, नगेश में और फेवर इसका भी वॉच अलोंग कर लेते हैं 5-1। चलो मैं तो इसका वॉच अलोंग करूंगा भाई, इसका वॉच अलोंग यार तुम अकेले करोगे फिर नहीं नहीं कर सकता हूं, नहीं तुम भी कर सकता है, लेकिन अभी एशियन गेम्स का है ना, तो एशियन गेम्स का करते हैं। और आपको बता दें कि हाँ चलो करो, अनाहत सिंह 6-1 से लीड कर रही है दूसरे सेट को, पहला सेट काफी इजीली 11-5 से जीत लिया है पाकिस्तान की सादिया गुल के अगेंस्ट। ये एक्सपेक्टेड था यार, ये एक्सपेक्टेड था, स्क्वैश में भी एक्सपेक्टेड था ये, मैं बस ये बोलना चाहूंगा इतनी आसानी से नहीं था एक्सपेक्टेड, लेकिन ठीक है, जीतना तो था ही ऑब्वियसली। इस वक्त पर टीम इंडिया की थर्ड बेस्ट है और हैट्रिक लगा दी है हरमनप्रीत सिंह ने, 10 गोल स्कोर करके हैट्रिक लगा दी है। अब देखना होगा यहां पर चेक क्या किया जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन चेक किया जा रहा है या मेरे ख्याल से ये ऑब्स्ट्रक्शन है, रेफरल लिया है टीम इंडिया ने। अच्छा आयुष प्रेडिक्शन कर दो भाई, क्या स्कोर लेने देगी मैच खत्म होने के बाद? 15-0 यार, 15-0 16 तो उज़्बेकिस्तान के खिलाफ हो गए थे यार, उज़्बेकिस्तान से अच्छी है सिंगापुर की टीम यार, लेकिन अभी तक तो जो हालात चल रहे हैं ना भाई, पर पता है यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता अच्छा कौन है, आपको लग रहा है 5 और नहीं हो पाएंगे भाई, उधर 5 हो जाएंगे यार, हो जाएंगे। एक और पेनल्टी कॉर्नर टू टीम इंडिया को मिल गया है, सक्सेसफुल रहा रेफरल टीम इंडिया को, और टीम इंडिया के रेफरल खासकर अच्छे होते हैं, चाहे वो क्रिकेट की बात हो, DRS, चाहे वो यहाँ की बात हो। एक और बार टीम इंडिया को पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ, 10-0 से टीम लीड कर रही है और 3.5 मिनट का अभी समय शेष है थर्ड क्वार्टर के एंड होने में तो। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अनाहत सिंह टीम इंडिया की सेकंड सेट 7-5 से लीड कर रही है, पहला सेट 11-5 से ऑलरेडी जीत चुकी है, तो भाई 7-5 से लीड करते हैं, कमबैक जरूर किया है सादिया गुल ने पाकिस्तान के, लेकिन एक और पॉइंट अपने नाम कर लिया है। 8-5 हो गया है इंडिया का स्कोर, इंडिया की अनाहत सिंह पाकिस्तान की सादिया गुल के अगेंस्ट एडवांस कर रही है दूसरे सेट में, 3 पॉइंट और ग्रैब कर लेंगी और सेट अपने नाम कर लेंगी। 8-5 अभी स्कोर चल रहा है, अनाहत सिंह सर्व पे और शानदार हिट और एक और स्कोर, 9-5 हो गया है। अब टीम इंडिया काफी ज्यादा अच्छे मार्जिन से लीड कर रहे हैं और दूसरा सेट जीतेगा, और यहाँ पर स्क्रीन पर जोशना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल, ये भी बड़ी बहुत ही काम लग रही है, इनको पता है यार किस हिसाब से गई है नहीं गई और अपोनेंट का मेरे ख्याल से क्या एक लेजर रहने वाला है नहीं रहने वाला साफ चल रहा है पता। वो बताए क्यों काम रह रही है, क्यों भाई, 2 एशियन गेम्स, 2 कॉमनवेल्थ गेम्स, 2 बार ओलंपिक, तो भाई काम क्यों नहीं रहेंगी जब अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनके पास, सामने 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 अपोनेंट भी नहीं है यार, अपोनेंट भी नहीं है। 10-5 हो गया इसी के साथ स्कोर, टीम इंडिया का 10-5 और दूसरी तरफ टीम इंडिया 10-0 चल रहा है, मतलब हॉकी में 10-0 चल रहा है। पेनल्टी कॉर्नर का खास कुछ फायदा नहीं हुआ, हालांकि रिपीट कर रहे हैं वापस से पेनल्टी कॉर्नर, इस बार इंजेक्ट कर रहे हैं हार्दिक सिंह, दूसरी तरफ फर्स्ट बैटरी में अभी तक दिखाई दे रहे हैं हरमनप्रीत सिंह और सेकंड बैटरी में मनप्रीत सिंह, तो भाई सिंगों की फौज है हॉकी में, फर्स्ट बैटरी मनदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह और इंजेक्टर है हार्दिक सिंह, तो भाई इंजेक्ट करने की ओर टीम इंडिया को पेनल्टी कॉर्नर मिला है, भाई एक और है यार। देखना होगा क्या होगा, राइट कॉर्नर या होगा लेफ्ट कॉर्नर, पता चल जाएगा। फर्स्ट बैटरी पर इंजेक्ट और एक और गोल मार दिया, चौथा गोल आता हुआ हरमनप्रीत सिंह की स्टिक से, इस मैच का 11-0 से सिंगापुर आगे हो गई है
और भाई मजेदार सिंगापुर नहीं आगे हो गई, इंडिया आगे हो गई। हाँ माफ कीजिएगा, इंडिया आगे हो गई और दूसरे हार्ट अटैक दे दोगे तुम सबको। और सिंगापुर 11-0 से आगे हो गई है भाई, आगे हो गई है, आगे जाके सीधा राइट। ये देखिए ये असर असर होता है जब हम सुबह सुबह आपके साथ जुड़ते हैं। नहीं यार ऐसा नहीं है, लगातार तुम तो भाग नहीं जाते हो, लेकिन भाई मैं भाग के ही आया हूँ आज, भागते भागते आया हूँ सीधे यहाँ पे। लेकिन दूसरी तरफ अनाहत सिंह ने दूसरे सेट भी जीत लिया है और अब भाई देखने को मिलेगा, बेस्ट ऑफ थ्री है वैसे तो। क्या देखने मिलेगा? हाँ मेरे ख्याल से खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई मैच, खत्म हो गया। अब आपको स्क्वाश में दीपिका पालिकल देखने को मिलेंगी, ज्योत्सना चिनप्पा सिंगल्स इंडिविजुअल में देखने को मिलेंगी, लेकिन कबड्डी के एक्शन अभी काफी ज्यादा बचा हुआ है। थर्ड क्वार्टर कबड्डी भाई मुझे लग रहा है तुम भागो फिर से थोड़ी अब भागो, माफी दे ये कबड्डी कभी वो जीत रहा है क्या हो रहा भाई? कल वाले लाइव में एक्चुअली कबड्डी लवर्स बहुत सारे आए थे और सब यही पूछे थे। तुम लॉजिक हर चीज का मत दिया करो भाई, तुम्हें बता रहा हूँ मैं, कबड्डी को अभी सिंगापुर आ गया, फिर तुमने उसके बाद स्क्वाश का मैच भी खत्म कर दिया, मैच तो चल रहा है अभी, नाहत सिंह खेल रही है यार सही में भाई क्या। अच्छा ये हम नहीं पढ़ेंगे, मैं पढ़ दूंगा जो यार शर्मा जी आपको चलता है ना पता तो मुझे भी बताइएगा। नहीं यार शर्मा जी ने ऊपर भी और अच्छा कमेंट किया भाई, लॉजिक से बोलिए। नहीं तुम नीचे वाला पढ़ो, वो भी मैं पढ़ दिया मैंने तो भाई लॉजिक से बोला है, जब पाकिस्तान ने 11 मार दिए तो इंडिया ऑब्वियसली ज्यादा मारेगा। हाँ यार मतलब ज्यादा मारेगा, नो मैटर हाउ मच सिंगापुरियन हैव अ प्रिपेयर्ड, कुछ प्रिपरेशन नहीं है भाई, हमने देख ली। थर्ड क्वार्टर खत्म होने वाला है, 2 मिनट बचे हुए हैं, प्रिपरेशन तो नहीं दिख रही है क्योंकि बॉल ही नहीं, कोच रो रहे हैं बार यार, बॉल ही नहीं अपने पास रोक पा रहे हैं, बॉल ही रोक पाए यही बहुत बड़ी चीज है। और अब दिख रही है यार वो वाइब भी नहीं रही है, वाइब नहीं, जो स्टार्टिंग में थोड़ा अग्रेशन दिखा रही थी ना टीम वो अब रही नहीं है, हालांकि एक अटैक बना जरूर सिंगापुर ने कम दिख, मुझे तो लग ही नहीं रहा बाहर गए। अगर ये सिंगापुर का अग्रेशन था तो भाई ये कैसे खेलते होंगे जब अग्रेशन नहीं दिखाते होंगे, तो सिंगापुर ने अग्रेशन दिखाते 11 गोल कंसीड कर दिए। फर्स्ट हाफ की देख रहा था, फर्स्ट हाफ में तो 6-6-0 थे यार, तब तो वो टीम इंडिया है यार सामने देखो भी तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ऐसा अग्रेशन दिखाया कि 6-0 हो गया, 6-0 हो गया तो वही है यार, हरमनप्रीत सिंह चौथा गोल स्कोर कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा तीसरा सेट शुरू हो गया है, अनाहत सिंह इसमें भी 4-2 से लीड कर रही है। और मदन लाल शर्मा जी कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई इंडियन मेंस टीम क्रिकेट में गोल्ड जीतने आएंगे और इंडिया वर्ल्ड कप। हाँ सर आपके मुंह में घी शक्कर पहली बात तो, और देखो यहाँ पे एशियन गेम्स तो देखो गोल्ड पक्का ही है, अब एशियन गेम्स में गोल्ड नहीं जीतेंगे तो फिर बहुत ज्यादा बुरी बात हो जाएगी। वर्ल्ड कप हालांकि थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी इंडिया इज वन ऑफ द फेवरेट्स के, जीत सकता है नहीं जीत सकता उस पर भी आएंगे यार। इंडिया और पाकिस्तान की टीमें हैं जो आप उस लेवल की मान के चलो एशियन गेम्स में, वर्ल्ड कप की बात करें तो यहाँ नहीं करेंगे वर्ल्ड कप की बात। वर्ल्ड कप की बात के लिए हमारे पास खेल क्रिकेट का चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, सबसे पहले तो वॉच अलोंग भी करते रहते हैं हम आपके साथ। और आपके लिए सवाल है आयुष, बोल रहे साइकिलिंग के बारे में कुछ नहीं, साइकिलिंग के लिए यार अनमोल भाई अभी तक कोई न्यूज नहीं है क्योंकि कहीं पे डिस्प्ले हो नहीं रहा है मैचेस वगैरह, तो अब आपको क्या ही बताएं। लेकिन हाँ स्कॉश से जरूर न्यूज है कि इंडिया की अनाहत सिंह ने 8-2 से लीड कर लिया है थर्ड सेट और ये डिसाइसिव गेम है, ये डिसाइसिव सेट है, मैच अपने नाम कर लेंगी, 3 पॉइंट ग्रैब कर लेती है। पाकिस्तान की सादिया गुल खेल रही है तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला चल रहा है विमेंस कैटेगरी में, और एक और पॉइंट मिलता हुआ टीम इंडिया की अनाहत सिंह को, 9-2 से लीड कर रही है और 2 सेट ऑलरेडी जीत चुकी है, तो ये तीसरा सेट 9-2 से टीम इंडिया लीड पर। इसमें भी टेक्निकल सुपीरियरिटी होता है? नहीं होता है भाई, नहीं होता, होना चाहिए, इसमें बॉडी की सुपीरियरिटी चाहिए होती है जो सादिया गुल के पास नहीं है। ये सर जीतेंगे मेरे ख्याल से, गेम खत्म उसके बाद। हाँ ये गेम खत्म, 10-2 हो गया, 1 पॉइंट और टीम इंडिया, थर्ड क्वार्टर खत्म हो गया, थर्ड क्वार्टर देखिए हो चुका है खत्म, 11-0 से इंडिया लीड कर रहा है, इंडिया हॉकी में लीड कर रहा है 11-0 से, तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे। लेकिन यही होगा जो अभी तक 3 क्वार्टर में देखने मिला है, वही आपको आखिरी क्वार्टर में भी देखने मिलेगा। मैं तो प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि 17 गोल हो जाएंगे भाई, मेरे को 15 ही लग रहा है, 15 लग रहा है, ठीक है ऐसे ना हो कि 12-13 ही रह जाए। इंडिया भी हाँ गोल करती है, बिल्कुल करती है, थर्ड क्वार्टर में बहुत सारे करती है, लेकिन आज का कोटा उन्होंने सेकंड क्वार्टर में ही कंप्लीट कर लिया है, तो जो बार बार मैं क्वार्टर बोल रहा हूँ तो एक्साइटेड मत हो जाइएगा, लेकिन
लेकिन फोर्थ जो होने वाला है आखिरी बड़ी बिना लज्जा के बातें करते हो तुम यार। मैं भाई लोग है, सब अपने भाई लोग ही जुड़े हुए हैं, क्या ही शर्माना। एनी न्यूज़ अबाउट साइकिल अनमोल भाई? तो तुम शर्ट वर्ड उतार दो अपनी, थोड़ा सही आती है तो जब शर्ट कंफर्टेबल हो जाओ, शर्ट पहन के आऊंगा तो उतार दूंगा। आज मैंने कुर्ता पहना हुआ है, उतार दो भाई। लेकिन ऊपर मदन लाल शर्मा जी कह रहे हैं भाई इंडियन मेंस टीम में तो भाई बगर तो लिया, उठ जाओ अभी, जा रहा कमेंट पढ़ो। अभी थोड़ी देर पहले एक और कमेंट आया था यार, वो चला गया कहीं पे ना, डिलीट कर दिया कि गोट कौन है, मेसी या रोनाल्डो? कौन है भाई? भाई सुनील छेत्री यार। एग्जैक्टली, नहीं करते कंपैरिजन, नहीं करते, सुनील छेत्री है गोट भाई। सर फुटबॉल इंडिया का मैच और किसके साथ है भाई मदन लाल जी? फुटबॉल में इंडिया का मैच आपको कल देखने को मिलेगा, कल आपको तीन नए मतलब नए तो नहीं लेकिन अलग चेहरे दिखाई देंगे, इंडिया वर्सेस सऊदी अरेबिया, जो कि काफी टफ मुकाबला है, नॉकआउट मुकाबला है भाई, है यार इंडिया वर्सेस सऊदी अरेबिया, जो कि सऊदी अरेबिया अभी अलग लेवल पे खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा वहां से। और रोनाल्डो की बात कर रहे थे ना, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा, जितने भी लोग रोनाल्डो के और फुटबॉल के और WWE के फैंस हैं, अभी WWE सऊदी अरेबिया जाने वाली है, तो रिपोर्ट्स आ रही है कि जॉन सीना और रोनाल्डो की टैग टीम होने वाली है। अच्छा, हाँ, और WWE पूरी कोशिश कर रही है कि सऊदी अरेबिया में इवेंट हो रहा है तो सऊदी अरेबिया में रोनाल्डो को लेके आए, साथ में जॉन सीना के टैग टीम। अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से भाई ये एक बहुत ही बड़ा ओकेजन हो जाएगा और उसका वॉच अलोंग करेंगे फिर हम। यार मेरे ख्याल से आना टफ है, लेकिन हॉकी में फोर्थ क्वार्टर शुरू हो जाएगा, फोर्थ क्वार्टर शुरू हो चुका है, 14 मिनट 20 राउंड सेकंड्स रह चुके हैं इस गेम में, सिंगापुर की वापसी करना ऑलमोस्ट का मतलब इम्पॉसिबल लिया यहाँ से, अब बस देखना ये बाकी है कि इंडिया क्या करता है, कितना और इनको हराता है। थोड़ी देर पहले मैंने देखा है टीम इंडिया के 11 में से 9 प्लेयर्स थे सामने वाले की टीम में भाई, सर्कल में थे 9 प्लेयर, तो भाई इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो किस तरह का, किस लेवल का अटैक इंडियन टीम कर रही है इस वक्त पे, चढ़ के खेल रहे हैं। सिर्फ हार्दिक सिंह है जो पीछे आके बैकलाइन डिफेंस कर रहे हैं, अदरवाइज बाकी सारे खिलाड़ी टीम इंडिया के वो फ्री होके खेल रहे हैं ना भाई, उनको है ही नहीं कुछ, अब उनको पता है कि कुछ होगा भी तो हम जीते पड़े हैं, ये वाला जीते पड़े तो छोड़ दो, यहाँ पर गोल भी देखो, एक स्कोर शीट में अगर जीरो होता है ना गोलकीपर के आगे कि भाई इसने गोल नहीं कंसीड किया, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग और फिर अलग स्कोर लाइन भी हो जाती है जब आप। अब मेरे ख्याल से उसके बारे में सोच रहे हैं यार, मेरे ख्याल से अभी सोच रहे हैं कि बस तुम जितना इसको और आगे स्कोर लाइन को लेके जा सकते हो उतना आगे लेके जाओ, मेरे ख्याल से चढ़ के खेल स्कोर लाइन और कॉन्फिडेंस यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में हमको पाकिस्तान से भी खेलना है जो कि सेकंड नंबर पर चल रही है यार, अच्छी टीम है, तुम ऐसे देखते हो यार? नहीं मैंने कब देखा भाई, तुम मेरी नजरों में बहुत ध्यान रखते हो भाई, गलत बात है भाई, ऐसे मत बोला करो, लेकिन ठीक है भाई। यहाँ पे साइकिलिंग के बारे में पूछा था भाई, रोनाल्डो सिंह हमारे 4-time एशियन जो मेडलिस्ट हैं वो इवेंट को देखो लीड कर रहे हैं, 10 मेंबर का अपना साइकिलिंग कंटिंजेंट है, रोनाल्डो सिंह। अच्छा, मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर रहा था भाई, तो वो टीम अप करेंगे जॉन सीना के साथ सऊदी अरेबिया क्राउन जूल इवेंट में, शायद रिपोर्ट अभी ये आ रही है, मजा आएगा अगर ऐसे होगा तो। वैसे एक और पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है यार, यार साइकिलिंग के बारे में कौन पूछ रहा था, अनमोल साहब पूछ रहे थे, तो इनको थोड़ा बता देते ना यार, कि देखो 12 गोल्ड मेडल के लिए कंप्लीट करेंगे, कॉर्नर हो जाते हैं फिर करते हैं, क्योंकि ये एक्शन है पेनल्टी कॉर्नर हॉकी में हालांकि इजीली मिल जाता है, लेकिन हार्दिक सिंह एक बार फिर से इंजेक्ट करेंगे, लास्ट इंजेक्शन में इनको इंजेक्शन में मतलब बॉल के जो रिलीज की थी उसमें गोल मिला था, फर्स्ट बैटरी में एक बार फिर से टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह और दूसरे पे मनप्रीत सिंह, देखना होगा भाई, नहीं विवेक सागर प्रसाद थे, माफ कीजिएगा, रोक लिया भाई, रोक लिया, एक और पोल पे डिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे होता तो एक और हार्दिक कर रहे थे ना, इंजेक्शन हार्दिक का था, गोल पे मेरे ख्याल से अभिषेक थे, तो भाई ये हो जाता। ललित उपाध्याय सर्कल पर मौजूद है, यहाँ पर ऑफ साइड रूल होता नहीं है तो इतना मैटर करता नहीं है, लेकिन सिंगापुर की टीम अभी तक बिल्कुल भी, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सिंगापुर के पास बॉल है भाई, हो जाती है मतलब गलती से हो जाता है, 10 मिनट में 10 सेकंड के लिए उनके पास भी आती है बॉल, और एक बार फिर से मेरे ख्याल से खुद ही लूज कर दिया, और लूज कर दिया भाई, यार इतना तगड़ा डिफेंस है टीम इंडिया का, बॉल नहीं देने दे रहे हैं अभी तक बिल्कुल। हाय ओ एनिमेटर जी बोल रहे हैं, अरे हेलो हेलो बिल्कुल, ऊपर मदन लाल शर्मा क्या बोल रहे हो सर, आप बोल रहे हो अरे भाई टाइम तो नहीं बताया आपने, सर अभी देखो 12 मिनट शेष हैं बस, ये आखिरी अपने क्वार्टर में, और एनिमेटर है बोल रहे हैं हेलो ब्रो हाय ब्रो, अरे टाइम वो मैच का पूछ रहे हैं, हां वो तो बता रहा हूं, मैच शाम को होगा मदन लाल जी, इंडिया वर्सेस सऊदी अरेबिया का मैच जो होगा, वो अभी तक के मैचेस जितने रहे टीम इंडिया मेंस के
वो 5 बजे के आसपास ही रहे तो उतने बजे ही होने की उम्मीद है। हालांकि मैं चेक जरूर करना चाहूंगा क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल आप लोग के हमारे हम दोनों के बीच में। लेकिन दूसरी तरफ स्क्वाश में एक्शन शुरू होता हुआ टीम इंडिया की जोशना चिनप्पा अश्विनी पोनप्पा बोलने जा रहा था मैं नहीं वो तो ठीक है लेकिन इसका क्या हुआ वो भाई स्ट्रेट सेट 3-0 क्लीन स्वीप भाई स्ट्रेट सेट में जीतने ऐसे वैसे नहीं है तो लेकिन चले फिर हम क्या कर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं टीम इंडिया अश्विनी नहीं जोशना चिनप्पा अश्विनी पोनप्पा जोशना चिनप्पा सेम नाम है और दिखती भी लगभग सेम है तो जोशना तुम कहना क्या चाह रहे हो पीछे से समझ नहीं रहा। हाँ नहीं नहीं टीम इंडिया की जोशना चिनप्पा और पेनल्टी कॉर्नर बट जस्ट आउटसाइड द गोल पोस्ट। अच्छा ऐसा है क्या हम पीछे चल रहे हैं मतलब नहीं नहीं अच्छा भाई लोग पीछे चल रहे हैं कोई बात नहीं। एक बार फिर से आप सभी को बता दें कि भाई स्क्वाश में पहला मैच जो था इस वुमेन्स कैटेगरी का अनाहत सिंह ने 3-0 से स्वीप कर दिया और अपने नाम कर लिया है। अब बारी है जोशना चिनप्पा की जो कि पाकिस्तान की खिलाड़ी के साथ कंपीट करने वाली हैं। एक बार फिर से दिव्यांश एंड रमिता ने ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया मिक्स टीम इवेंट के लिए। अब देखना होगा मेडल का कलर क्या होगा लेकिन इस वक्त हॉकी में बॉल है हरमनप्रीत सिंह के 16 मिनट और एक और पेनल्टी कॉर्नर यहां पे 16 मिनट लगे नाहत को हराने में गुल सादिया को सिर्फ और सिर्फ 16 मिनट में गुल को गुल कर दिया हमारी नाहत सिंह ने सिर्फ 16 मिनट 11-6 11-6 11 टेम्परामेंट ही नहीं दिख रहा था भाई उनका मूवमेंट ही नहीं थी टेम्परामेंट की तो बात आई नहीं स्किल ही नहीं दिखा। हाँ। टेम्परामेंट पे तो बात तब आती है अगर कंपटीशन होता गलत जगह से बॉल टीम इंडिया को मिल गई और यार यहां से लूज नहीं करना चाहिए था यार यहां से लूज नहीं करना चाहिए था 1-on-1 सिचुएशन थी ललित उपाध्याय के पास लेकिन कोई बात नहीं मिस कर दिया ऑलरेडी गोल इतने सारे खा लिए हैं लेकिन बहुत ही सुंदर इंडिया और साइकिलिंग की अपडेट जो पूछ रहे थे भाई बता देता हूं कि जो इंडियन विमेंस की स्प्रिंट टीम है उन्होंने 7वें नंबर पे फिनिश करा है और अब अगले राउंड में दे विल टेक ऑन कोरिया। तो ये है साइकिलिंग की अपडेट यहां पे नंबर 1 पे एज एक्सपेक्टेड फिर से ये चाइना वाले आए हैं यार लेकिन ठीक है कोई बात नहीं जो चल रहा चलता रहे। अनाहत सिंह ने ओपनिंग राउंड जीत लिया है इंडिया लीड कर रहा है सिंगापुर को 11-0 थर्ड क्वार्टर बस अब 9 मिनट 22 सेकंड 21 सेकंड का पड़ा है और एनिमेटर भाई इंडिया आज कितने मेडल जीत सकता है कितने जिताने हैं भाई आप बताओ कितने जिताने नहीं, मैं बताता हूँ यार देखो मेडल इवेंट सबसे पहले तो बता देता हूँ ऑलरेडी दिव्यांश सिंह पनवर और अमिता जिंदल ने क्वालिफाई कर लिया ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए एनिमेटर भाई जितने भी लोग हमें देख रहे हैं तो एक मेडल तो पक्का है। अब कलर क्या होगा मेडल का ये देखने वाली बात होगी और टीम इंडिया को एक और गोल मिलता हुआ यहाँ पर उससे पहले बता दें आपको बड़ी अपडेट एक और गोल भारतीय टीम को मिलता हुआ 12वां गोल अपने नाम कर लिया है इस मैच का। फोर्थ क्वार्टर चल रहा है आखिरी कुछ लम्बे चल रहे हैं मैच के और टीम इंडिया ने 12वां गोल मनदीप सिंह के स्टिक से आता हुआ और सामने सिंगापुर की टीम 0 चल रही है तो भाई यही है 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम। हाँ। बोल रहे हैं कि भाई आप फुटबॉल का मैच दिखाओगे अपने चैनल पे सर दिखा देंगे आने वाले टाइम में वो भी लेकिन अभी तो नहीं दिखाएंगे अभी हम बहुत चलाऊंग जरूर करेंगे देखेंगे आपके साथ बैठ के देखने के लिए आप कहाँ पे देखना भाई सोनी लिव ऐप पर देखना है सोनी लिव पर आप एंजॉय कर सकते हैं सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क स्ट्रीमिंग कर रहा है सारी मैचेस की टेलीकास्टिंग कर रहा है और मेडल मैचेस आपको फटाफट आज के बता देता हूँ। सबसे पहले तो इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी जो कि चल रहा है अभी वहां पर मेडल आ सकता है टीम इंडिया सॉलिड है वहां पर लेकिन ऑलरेडी चाइना वाइना भी है वहां पर तो देखना होगा। लेकिन दिव्यांश सिंह पनवर और रमिता जिंदल ने क्वालिफाई कर लिया है 10 मीटर राइफल मिक्स टीम क्वालिफिकेशन मैच के लिए और अब गोल्ड मेडल मैच भी है आज तो यहां से एक न एक गोल्ड मेडल मैच पक्का होता दिख रहा है। इसके अलावा वुमेन सबरे इवेंट में भवानी देवी जो कि टीम इंडिया की लीड टीम इंडिया की नहीं बल्कि टॉप सी डिफेंसर है वहां से एक गोल्ड की आशा जरूर होगी हम सबको बट अब दिखाई देगा यहां पर जो अगला मुकाबला हमें देखने को मिलेगा जो मेडल मैच होने वाला है वो देखने को मिलेगा जूडो से आने वाला है भाई एक्शन डे सारा है क्योंकि जूडो से आने वाला है। इसके बाद मेंस में अवतार सिंह 100 केजी में देखने मिलेंगे वुमेन्स में इंदु बाला देवी माइबम 78 केजी कैटेगरी में आपको देखने मिलेंगे मेडल मैच खेला जाएगा ये भी शाम चल ही रहा होगा यार ये साइमल्टेनियसली चल ही रहा होगा। इसके अलावा 78 केजी में तुलिका मान भी देखने मिलेंगी तो वेमेन कैटेगरी में दो खिलाड़ी जो है टीम इंडिया की जूडो में वो मेडल मैच खेलेंगी 78 केजी कैटेगरी में तो दो इंडिया के हैं एक मेन में अवतार सिंह 100 केजी खेलेंगे। और इसके अलावा बात करी जाए तो सेलिंग में भी आज गोल्ड स्टेक पर है मल्टीपल एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इवेंट में वेमेन मेन दोनों ही और कई सारे एक्चुअली इवेंट होते हैं इसके अंडर भी तो आपको देखने मिलेंगे कई सारे मेडल वहां से भी। तो भाई आज के मेडल इवेंट्स अच्छे खासे हैं 10 से ज्यादा मेडल गोल्ड मेडल
आज है टीम इंडिया, अब कितने जीतता है भाई। हाँ देखो शर्मा जी आ गए ना, बोल रहे 14 तो हो गए, लेट्स कॉल इट 17 हो, ऐसे नहीं सर आप चेंज नहीं कर सकते, अब 17 मैंने बोला, मेरा प्रेडिक्शन है, तुम्हारा 15 था उनका भी 15 था, चेंज मत करो सर बीच में से। अच्छा मदन लाल जी बोल रहे हैं, और भाई आप कहाँ से हो? भाई मैं लुधियाना से हूँ, आप कहाँ से हो भाई? भाई मैं यूपी से हूँ, यूपी कानपुर का, कानपुर से बिलोंग करता हूँ यार मैं। मदन जी ठीक है, आप कहाँ से हो आप तो बता दो। और अच्छा आई नो बट नेट नहीं है। अच्छा बोल रहे हैं अगर दिखाना तो दिखा दो फुटबॉल मैच, करते हैं बात। चलो ठीक है। अरे शुभ जी आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन एक यहाँ पर रेफरल लिया गया है, पेनल्टी कॉर्नर टीम इंडिया को, और चिनप्पा जीत गई वहाँ पे ओपनिंग सेट, चिनप्पा जीत भी गई ओपनिंग सेट, जीत रही हैं सेट, जीत के दूसरा सेट 4-2 से 5-2 से एडवांस कर रही है। ये मेरे ख्याल से ये 16 मिनट से भी जल्दी खत्म हो जाएगा, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। और उनके पास एक्सपीरियंस यार अच्छा खासा, हाइट एडवांटेज एक्सपीरियंस लेकर आती हैं, तो भाई यहाँ पर 5-2 स्कोर 6-2 हो गया है। और दूसरे सेट में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टीम में जोशना चिनप्पा इंडियन टीम की प्लेयर फर्स्ट सेट जीतने के बाद सेकेंड सेट में 6-2 से आगे हैं, और देखना होगा टीम इंडिया अब। अरे फर्स्ट सेट चल रहा है भाई, फर्स्ट सेट चल रहा है अभी, और भाई जूडो का भी एक बुरा अपडेट आया भाई, जूडो का अपडेट है कि भाई हमारी इंदुबला देवी हार गई हैं 0-10 से इपन, थाईलैंड की इपन से हार गई है भाई, कुमी ओडा से हार गई है हमारी इंदुबला देवी, पता है तो इपन का मतलब होता है स्ट्रेट आपको पॉइंट दे दी जाए और आप पीठ के साइड जो बेसिकली चित कर देना होता है, रेसलिंग की भाषा में बोला जाए तो चित कर देना होता है, बैक के साइड पर अगर आपका किसी ने कंधा 3-5 सेकंड के बीच तक लगा दिया तो आपको पिनफॉल हो जाता है। बिल्कुल, डायरेक्ट आपको ये हार का सामना करना। मदन लाल बोल रहे हैं कि मैं, अरे बोल रहे हिमाचल प्रदेश से हूँ सर, मैं भी बहुत देर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश, हमारा एक दोस्त भी हुआ करता था वो भी हिमाचल से था, लेकिन अच्छा आप कहाँ से हैं सर? हिमाचल प्रदेश से कहाँ से हैं? मैं भी बताता हूँ फिर, मैं कहाँ कहाँ पे रहा हूँ हिमाचल, आप बताइए पहले हिमाचल प्रदेश में आप कहाँ से जोड़ सकते हैं? आप जोड़ लेंगे, सब रिश्ते बनाए जाएंगे, खेलना आप जुड़िए खेलना हो रिश्ते बनाए जाएंगे, लेकिन सर कहाँ से हो हिमाचल प्रदेश में बताइए आप। हाँ बता दिए, तब तक मैं बता दूं इंडिया की जोशना चिनप्पा 9-2 से लीड कर रही है फर्स्ट सेट, सामने पाकिस्तान के खिलाड़ी बिल्कुल उनके पास जवाब नहीं है जोशना चिनप्पा के स्मैशेस का, देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस खासा कोर्ट पर दिख रहा है, स्क्वायर टाइम चल रहा है 9-2 भाई इस टाइम पे चल रहा है भाई, वन साइड ये हाँ मतलब टर्न अप हुआ ही नहीं पाकिस्तान टू बी वेरी ऑनेस्ट आज। और अच्छा एक और मदन लाल शर्मा जी बोल रहे हैं हमीरपुर से, अरे सर मेरी एक फ्रेंड है बहुत ही क्लोज वो भी हमीरपुर से है, मैं सर नगरोटा भगवान से हूँ, बड़ी देर ना हो नगरोटा भगवान कांगड़ा के पास है अगर आपको पता होगा, वैसे नगरोटा भगवान से हूँ सर मैं, और भाई मेरा असली नाम क्या है ये सर दिख नहीं रहा, आपके एक दो कमेंट और आएंगे तो चल जाएगा तो आपका असली नाम क्या है, कैसे तो है अब कार्तिक नहीं है तो ए नहीं दिख रहा मुझे। फर्स्ट सेट टीम इंडिया ने जीते और एक गोल मार दिया सिंगापुर ने इस बीच, और इनकी खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं है, और यहाँ पर गलती किसी की थी, नहीं सेल्फ गोल नहीं था लेकिन यहाँ पर डिफेंसिव एरर मुझे लग रहा है हुआ, डिफेंसिव एरर होता हुआ है, सिलेक्शन हुई है और वहां पर करना चाहिए था कम से कम स्टिक लगाते तो पेनल्टी कॉर्नर मिलता और वहां पर श्रीजेश के पास इतना एक्सपीरियंस है। अब मुंह पे मार दो इनके हॉकी स्टिक, ऐसे अटैक कर रहे हैं अपने ही प्लेयर के मुंह पे मार दे रहे हैं, पहला गोल लेकिन कर दिया है और उस बात की खुशी भी हुई है। जे जे और उछला है, उछल देख रहे हो आप वो कदमों में एक रूहानगी सी आ गई है इनके सिंगापुर वालों के, लेकिन ठीक है लेकिन डिफेंसिव एरर था और अच्छा गोल, गेम सेंस अच्छा लगाया वहां पर, और टीम इंडिया भी आसे लेकिन छोड़ने नहीं वाले, टीम इंडिया अपने अटैक जारी रखेगा, सर्कल के माउथ 25 लाइन पे अब सर्कल एंट्री हो गई है, हार्दिक के पास है बॉल और यहां से देखना होगा कि पेनल्टी कॉर्नर ले पाएंगे या नहीं, वाइड चली गई तो कोई बात नहीं वापस से डिफेंस करेगी भारतीय टीम, 6.5 मिनट का समय शेष है और टीम इंडिया 14 गोल्स के साथ एडवांस कर रही है, सिंगापुर एक, फोर्थ क्वार्टर आखिरी चल रहा है। लेकिन इधर दूसरी तरफ स्क्वाश में इंडिया की जोशना चिनप्पा पाकिस्तान की प्लेयर के अगेंस्ट खेल रही है, पहला सेट जीत चुकी हैं 11-2 से काफ़ी ईजिली और दूसरे सेट में भी लीड ले लेंगी, अभी तो 1-0 से पीछे हैं, नहीं 1-0 से आगे है, 1-0 से आगे है, लेकिन देखना होगा भाई ये वाला सेट कितनी जल्दी से जल्दी खत्म होता है सबसे पहले तो। और वो बोल रहे हैं क्रिश कार्तिक नहीं क्रिश नाम है उनका, नाम है भाई का क्रिश, पाकिस्तान की पुंगी बजा दी है स्पार्क भाई बोल रहे हैं, हाँ जी भाई भाई स्पार्क भाई बिल्कुल बजा दी है, तो यही है कि ढेर सारा आपको एक्शन आज के दिन देखने मिलेगा, 10 से ज्यादा मेडल्स हैं स्टेक पर, टीम इंडिया लाने की उम्मीद जरूर करेगी। लेकिन एक जूडो से एक बुरी खबर आ गई, इंदुबाला देवी इपन से भाई हार गए थाईलैंड के अगेंस्ट, इपन हो गया उनके,
और शिवांगी वर्मा ने 17वां फिनिश करा है। स्विमिंग की भी अपडेट है आप लोगों के लिए कि भाई सिर्फ ये टॉप क्वालिफाइंग थी फाइनल के लिए और भाई 17वें नंबर पे आई हैं 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में। कौन क्या नाम है भाई? शिवानी, शिवांगी शर्मा। और कुछ बोलना चाहोगे तुम? नहीं भाई, 17वें नंबर पे फिनिश किया भाई। चाइनीज वाले छोड़ेंगे नहीं, खा जाएंगे, इतने गोल्ड मेडल लाए स्विमिंग में। भाई एक और पेनल्टी कॉर्नर टीम इंडिया को मिलता हुआ यहाँ पर, उनका 15 से ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर हो। मेरा तो बोलने का नहीं मन कर रहा है इस टीम मैच इंडिया पे। मजाक चल रहा है यार दूसरी तरफ। एक्चुअली नहीं नहीं, दूसरा जो है दूसरी तरफ भी मजाक चल रहा है, 2-2 चल रहा है। लेकिन एक और पेनल्टी कॉर्नर टीम इंडिया को मिलता हुआ, देखना होगा इंजेक्ट कौन करता है, क्या वो हार्दिक होंगे या होंगे ललित उपाध्याय। दूसरी तरफ फर्स्ट बैटरी पे एज ऑलवेज हरमनप्रीत सिंह और दूसरी बैटरी पे या तो विवेक सागर प्रसाद जो कि पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हैं टीम इंडिया के, वो होंगे। और मदनलाल बोझा, आपके आपके इतने कैसे हो गए 10 लाख सब्सक्राइबर्स? आपको भरोसा नहीं है क्या मदनलाल जी? हम अभी खोला था 4 दिन पहले। चार दिन पहले कल रात को तो खोला है, आज सुबह लाइव करने आ गए मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ क्रिश, क्योंकि लड़कों को लड़कों का प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत उम्दा है भाई, उम्दा है भाई। अरे थैंक यू सो मच यार कुश शर्मा भाई, लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा क्योंकि हम ढेर सारा एक्शन लाते हैं। लेकिन टीम इंडिया का देखना होगा, यहाँ पर एक और स्ट्रेटर मारा है भाई, बहुत ये हिलने का टाइम ही नहीं दिया, बहुत सॉलिड गोल भाई, बहुत सॉलिड गोल था। और आया वरुण कुमार की स्ट्राइक भाई, 15वां गोल टीम इंडिया को मिलता हुआ। वरुण कुमार स्ट्राइकर थे, गोल अपना लगा दिया है, एक और गोल आता हुआ, पहला गोल इस मैच का वरुण कुमार की स्टिक से। लेकिन टीम इंडिया इस वक्त 15-1 से लीड कर रहा है, काफी लीड क्या जीत रहा है भाई 15-1 से। 5 मिनट देखो, 5 मिनट पड़े हैं बस अभी। हाँ। अब देखना बस ये बाकी है कि भाई ये 15 तो हो गए हैं या एक शर्मा साहब सही होते हैं, आयुष सही होते हैं या मैं सही होता हूँ। मेरा 17 का है यहाँ पे प्रिडिक्शन, आप लोगों के 15-15 तो हो गए हैं वैसे, वैसे सही तो आप लोग भी नहीं है, 15-1 हो गया क्योंकि। तो यार हमने बोला था 15-0 थोड़ी बोला था, हमने कहा टीम इंडिया कितने स्कोर करेगा तो 15 स्कोर करेगा भाई। अरे भाई की कुप शर्मा, वो आपका स्कैम हो जाएगा है? स्कैम, अच्छा स्पैम हो जाएगा, ठीक है स्पैम नहीं, स्कैम ही है भाई, स्कैम ही है आपका, स्कैम हो जाएगा। अच्छा आपका स्कैम हो जाएगा ड्रू लड़का। अरे भाई कुछ लड़का हो आपका स्कैम हो जाएगा ट्रू, मेरे मेरे 18 है क्या यार? ये तो अच्छा नहीं है, मतलब मदनलाल शर्मा जी, मदनलाल शर्मा जी ने, शर्मा जी ने बोला था कि भाई मेरा वो होगा, दोनों ही शर्मा जी हैं, मदनलाल जी भाई मिल तो गया एक और पेनल्टी कॉर्नर टीम इंडिया को। लो भाई तुम्हारा, चलो एटलीस्ट जीतना माना इजी होता है, लेकिन दूसरी तरफ पेनल्टी कॉर्नर यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन जोशना चिनप्पा 10-4 से लीड करती हुई दूसरा सेट, एक पॉइंट और दूसरा सेट भी अपने नाम कर लेंगे और इजी रहने वाला है मेरे ख्याल से। और लो भाई जुडो अवतार सिंह क्वालिफाइड कर चुके हैं क्वार्टर फाइनल्स के लिए, हरा दिया है थाईलैंड के हंतारियन कितपोंग, 100 केजी कैटेगरी में थाईलैंड के हंतारियन कितपोंग को हरा दिया है 1-0 से। यार अवतार सिंह जी के पास भाई अवतार, और यार आप एक बार उनकी कद काठी देखेंगे ना अवतार सिंह की, कोई कोई होते 100 केजी का चलता नहीं पता। वरुण कुमार यहाँ पे लो, मैं तो भाई अपने प्रेडिक्शन के बढ़िया पास हूँ, ठीक है तुम लोग तो पल्ली हार चुके हो, ठीक है अब देखते हैं क्या होता है। 17 मदन लाल जी जीतते हैं, ये जब फिर चेंज हो गई सर, चेंज हो गए शर्मा जी, 17-1 हो गया क्या? 17-1 हम पीछे चल रहे हैं क्या? हाँ नहीं नहीं 16 चल रहा है भाई, किसने हरा दिया है, किसे हरा दिया है? 17 हो गया भाई, 17-1 हो गया भाई। और यहाँ पर शुभ भाई की बात हमारी ठीक होती हुई, क्या नाम बोला था, मेक इल्यूजन वरुण कुमार बोला था, वरुण कुमार ने भाई कर दिया है। इसके अलावा 17-1 टीम इंडिया का स्कोर। और दूसरी तरफ अश्विनी पोनप्पा ने अपना दूसरा सेट जीत लिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पाकिस्तान कहीं पर भी गेम में दिखाई विखाई तो नहीं दे रहा है, लगातार सेट्स में हार रहे हैं, आया ही नहीं पाकिस्तान खेलने। हाँ ये तो मजाक चल रहा है, मजाक हो रहा है यहाँ पे, हॉकी में भी मजाक चल रहा है, स्क्वाश में मजाक चल रहा है, एक दिन ऐसा आएगा हर स्पोर्ट में मजाक चलेगा। अच्छा दूसरी तरफ चाइना में, चाइना भी तो कर रहा है मजाक, तो वही तो बोल रहा हूँ एक दिन ऐसा आएगा हर स्पोर्ट में मजाक चलेगा भाई। कुप शर्मा भाई बोल रहे हैं आप पीछे हो, मैं ग्राउंड में बैठा हूँ। तो आप एक काम करो ना, मैं आपको जोसेफ भाई से मिलवाता हूँ, रिपोर्टिंग कर लो, रिपोर्टिंग कर लो यार। तो रोशन झा भाई पूछ रहे हैं कौन सा गेम हो रहा है। तो रोशन झा जी सबसे पहले तो एक हॉकी का मुकाबला चल रहा है इंडिया और सिंगापुर मेंस टीम के बीच, इंडियन टीम 16-1 से
आगे चल रही है, आखिरी क्वार्टर है, 3.5 मिनट बचे हुए। दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान विमेन्स टीम का स्क्वाश का मुकाबला चल रहा है, जिसमें अनाहत सिंह ने स्ट्रेट सेट में पाकिस्तान की सादिया गुल को हरा दिया। और दूसरी तरफ जो दूसरा मुकाबला हो रहा है वो अश्विनी पोनप्पा टीम इंडिया की, माफ कीजिएगा जोशना चिनप्पा, भाई एक सेट और दूर है, 2-0 की लीड दिलवा देंगी चिनप्पा, कौन सी चिनप्पा, जोशना चिनप्पा लीड दिलवा देंगी इंडिया को 2-0 की, सिर्फ एक सेट और दूर है, एक सेट और जीतेंगी तो यहाँ पे लीड मिल जाएगी इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर। 3-1 हो रहा है स्कोर, देखो जरा। अबे रुको, 3 मिनट में तो 10 गोल कर दे, जो हालात चल रहे हैं इंडिया के, रुको तो सही तुम। ये देखिए मूंगफलियां खा रहे हैं सिंगापुर के कोच दूसरी तरफ, और क्या करें वो, हम इस टाइम पे खाना खाए, गोल भी खाए, खाना भी ना खाए, ऐसा थोड़ी होता है भाई। अमरपाल जी यार बिल्कुल मेंस हैंडबॉल टीम का ना होना डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, लास्ट एडिशन में हमने खासा अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन कोई बात नहीं, वेमेन्स हैंडबॉल टीम जरूर है तो भाई वहां से एक्शन देखने को मिलेगा। इंडियन क्रिकेट कब होगा आयुष भाई पूछ रहे हैं, क्रिकेट कब होगा, 2 तारीख से, 1 तारीख से कि 2 तारीख से शुरुआत, 2 तारीख से है मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट टीम की शुरुआत। मेरे को तो भाई वर्ल्ड कप का पता है भाई, वर्ल्ड कप होगा 5 अक्टूबर का शुरू, हाँ उसके लिए जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, मैं तो बोलता हूँ यहीं पे कर लेते हैं कुछ करना ढंग का। एक्साइटेड फॉर 5th of October, आई एम ऑनेस्टली एक्साइटेड फॉर 8th of October, क्योंकि टीम इंडिया जिस तरह की फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। भाई मैं तो ना 5 अक्टूबर के लिए एक्साइटेड हूँ, वर्ल्ड कप का एक एक मैच के लिए एक्साइटेड हूँ मैं, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, हालांकि हम देखने नहीं जाएंगे कोई भी मैच, लेकिन फिर भी इंडिया जाने दिया नहीं जाएगा, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, नहीं नहीं मुझे जाने दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, मैं बताता हूँ तुम्हें। लेकिन यहाँ पे इंडियन क्रिकेट का होगा बताया जाएगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल बताया जाएगा, सब बताया जाएगा। और यहाँ पे क्या लगता है भाई, ये 5-2 चल रहा है भाई, जीत गए भाई, जीत रहे हम इसमें, 5-2 चल रहा है यार, 5-2 जोश अश्विनी पुनजीश जोशना चिनप्पा लीड कर रही है 6-2 से। भाई माफ कीजिएगा थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा है बार बार इसलिए क्योंकि जोशना चिनप्पा और अश्विनी पुनप्पा सेम तरीके की सेम नाम है, तो थोड़ा टंग ट्विस्टर हो रहा है मेरे साथ। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा सुबह से यही चल रहा है, वो सुबह उठने के साइड इफेक्ट होते हैं, कोई बात नहीं। प्रीमियर हैंडबॉल लीग के बाद मेंस टीम अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार थी, हाँ सर, और मैंने इंटरव्यू भी लिया था इन लोगों का, कोच का भी लिया था, प्लेयर्स का भी लिया था, तैयार तो थे। कौन से प्लेयर थे, कोई नाम नहीं याद मुझे, मेरे ख्याल से अर्जुन नाम था उनका या अक्षय नाम था, मेरे को अच्छे से याद नहीं, बहुत देर पहले इंटरव्यू लिया था। हाँ। और यार क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे जिस पहला सीजन था ना यार हैंडबॉल लीग का भी, तो पर यहाँ पे चल रहा था पता कि स्किल्स तो अच्छी खासी हैं और कुछ चीजें हम फॉरेन प्लेयर्स से सीख रहे हैं, फॉरेन प्लेयर्स कुछ हमसे सीख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना टाइम पड़ा है, 1 मिनट से भी कम टाइम बचा हुआ है, तो मैच खत्म होने में 1 मिनट से भी कम समय बचा हुआ है, मेरे ख्याल से 17 की प्रिडिक्शन एकदम करेक्ट होती दिख रही है अभी तक। और टीम इंडिया ने फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में जैसा पेनल्टी कॉर्नर्स के साथ किया था उससे ठीक अलग गेम प्लान, इससे ठीक गेम प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो वेमेन स्क्वाश मुकाबला चल रहा है वहां पर जोशना चिनप्पा ने 8-4 से लीड ली हुई है पाकिस्तान की खिलाड़ी के अगेंस्ट, तीन पॉइंट और 2 सेट से इंडिया आगे हो जाएगा, मैच जीत जाएगा भाई, 2 सेट ऑलरेडी आगे है, 3रा सेट चल रहा है ये मैच, ऐसे हम मैच जीत जाएंगे तो भाई देखते हैं क्या होता है। विनिंग अपॉर्चुनिटी 5th पॉइंट मिलता हुआ और यार नहीं हुआ यार, ओ अफसोस, क्या अफसोस, तुम्हारा कौन सा सही हो गया, अफसोस है भाई गोल नहीं पड़ा, टीम इंडिया को गोल मिलना चाहिए था। और मेरे ख्याल से 1 मिनट का टाइम है, अब पार्ट तो सकते हैं 1 मिनट का टाइम की भाई यहाँ से एक और गोल ना खाए, लेकिन सिंगापुर की टीम है एक और बार बॉल खो दी है, लेकिन यहाँ पे मिलेगा एक फाउल, फाउल जीता है और शर्मा जी बोल रहे हैं ना मेरी ना आपकी 16-1, ओ भाई अपॉर्चुनिटी बनाइए, यहाँ पर स्ट्राइक कर दिया था, अच्छा सेव श्रीजेश का लगातार दूसरी बार, और 12 सेकेंड 9-10 सेकेंड बचा हुआ है और मेरे ख्याल से मैच खत्म हो जाएगा। एक एरियल बॉल यहाँ से दी है, एरियल बॉल दी है भाई यहाँ से, छोटी सी एरियल बॉल थी और मैंने छोटे से प्लेयर भी थे। मैच खत्म होता हुआ टीम इंडिया 16-1 से, ना तुम्हारी सही हुई ना मेरी सही हुई, ठीक है सही हुई है, वीस का सही हो गया, इंडिया की सही हुई है 16-1 से टीम इंडिया ने पूल ए का मैच जीत लिया है और अभी भी पूल ए में टॉप पर बरकरार है 16-1 16-0 पिछले मैच में,
तो कुल दो मैचेस में 32 गोल मार चुकी है टीम इंडिया, इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो। और ये सेट में जीत गई मेरे ख्याल से, एक पॉइंट है मेरे ख्याल से, नहीं नहीं गेम हो गया भाई, गेम जीत गई। जोश ना चिनप्पा चिनप्पा ने सेकंड गेम भी जीत लिया पाकिस्तान के खिलाफ, और अब इंडिया 2-0 से बढ़त लेता हुआ। वॉलीबॉल का मैच कब है भाई? रजत सिंह जी पूछा जल्दी भाई। वॉलीबॉल का मैच आज शाम को है, 4:30 बजे से शुरुआत हो जाएगी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, 4:30 से शुरुआत हो जाएगी मैच की। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच वॉलीबॉल मैच देखने को मिलेगा और मजा आएगा यार। पाकिस्तान के अगेंस्ट एक अलग राइवलरी होती है जो भी स्पोर्ट्स हो, तो वहां पर एक्शन देखने मिलेगा आपको। लेकिन जो अभी इन्होंने सिंगापुर के साथ करा है ना, वैसे पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम स्ट्रॉन्ग है यार, 51 रैंकिंग यार, इंडिया की 73rd रैंकिंग है, तो भाई पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम स्ट्रॉन्ग है, अच्छी खासी है। कतर वतर को हराया उन्होंने, चाइनीज टाइपे को भी हरा के स्ट्रेट सेट्स में, तो भाई इंडिया जीतेगी क्या? ध्यानेश्वर साहब पूछ रहे हैं सर क्या जीतेगी, जीतेगी तो इंडिया, लेकिन कहाँ? भवानी देवी फेंसिंग सर, भवानी देवी राउंड ऑफ 16 में कर गई थी क्वालिफाई, यही बोला था ना, यही अपडेट था मेरे ख्याल से, लास्ट अपडेट एक बार बताते सर आपको फिर से, राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर गई थी ना भवानी देवी। हाँ भाई, यहाँ पे भवानी देवी कुब भाई बोल रहे हैं, कुब शर्मा भाई बोल रहे हैं, ये अपना एशियन गेम्स तो कुछ नहीं है, अपने को ओलंपिक्स गोल्ड मांगता है भाई, ओलंपिक गोल्ड यार। अब हमने जो रफ्तार पकड़ना शुरू किया है, अब पिछले बार के आप एडिशन में देखेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल टैली रेस की थी हमने, एक गोल्ड भी जीता था ऑल थैंक्स टू नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा एक बार फिर से कंपटीशन में देखेंगे। लेकिन इस बार मेरे को लग रहा है गोल्ड मेडल के प्रॉस्पेक्ट्स और बढ़ने वाले हैं यार, ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्रॉस्पेक्ट बढ़ने वाले हैं, खासकर बैडमिंटन कैटेगरी से। आई एम एक्साइटेड फॉर बैडमिंटन, वाई? बिकॉज लक्ष्य सेन ने प्रोमिनेंसी दिखाई है पिछले 1.5 साल में, बहुत सारे लक्ष्य सेन यार, श्रीकांत भी हैं, बहुत 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 सारे हैं, ऑनेस्टली श्रीकांत का फॉर्म डिप हुआ है। अरे वो उनका जब जब फॉर्म डिप हुआ है ना, उन्होंने बहुत जबरदस्त कमबैक करी है, बहुत ही एक और ही इज वन ऑफ द फ्यूचर स्टार है यार, वो हम सबको पता चल गया पता। हालांकि जो आप बोल रहे हो वो भी सही है, लेकिन देखते क्या भाई, आपको पता है कि 2019 में जो नंबर 1 थी वही वर्ल्ड कप है, नंबर 1 है इंडिया, तो वर्ल्ड कप रीलोडिंग यार, अब तो हम ऑल फॉर्मेट में हो गए रैंक नंबर 1 यार, तो भाई पीछे थोड़ी ना, वर्ल्ड कप पीछे थोड़ी ना। लेकिन यार इंडिया का मैच यहाँ पर खत्म होता हुआ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्क्वाश का मुकाबला चल रहा था, इनायत सिंह ने पहले इंडिया को लीड दिलाई फर्स्ट गेम जीतकर सादिया गुल के अगेंस्ट, दूसरा मैच जीता जोशना चिनप्पा ने स्ट्रेट सेट्स में, एक बार फिर से पाकिस्तान को पटकनी दे दी है। कैन यू प्लीज टेल अस ऑल प्रोबेबल मेडल्स टुडे? बिल्कुल यार अनुराग भाई, आपके लिए बता देते हैं कौन कौन से आज मेडल इवेंट्स होने वाले हैं, बाकी आप और अब स्क्वाश बस। हाँ, इससे पहले बता दूं, अब स्क्वाश में दीपिका पल्लिकल भी अब आ चुकी हैं, अब उनका इवेंट है, एस वुमेन प्लेयर हैं, तो भाई दीपिका पल्लिकल आपको देखने मिलेंगी एक्शन में, एक्शन में ऑलरेडी आ चुकी हैं। लेकिन मेडल का प्रोस्पेक्ट बता देता हूँ आज, मेडल इवेंट कौन कौन से, 10 से ज्यादा गोल्ड मेडल है स्टेक पर। लो भाई, फेंसिंग का पूछ रहे थे, अपडेट बता देते हैं एक बार की, भाई क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं थाईलैंड को हरा के, टोंगखो, थाईलैंड के टोंगखो को हरा के इंडिविजुअल इवेंट प्री क्वार्टर फाइनल्स ऑफ वुमेन्स सेबल इंडिविजुअल इवेंट। अब ये होगा कि भाई डिफरेंस इन रैंकिंग शुड बी रेलेवेंट, हाँ भाई ये बड़े आसानी से जीत जाएंगी, ये वाला मैच भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है रैंकिंग में, और क्वार्टर फाइनल्स में तो क्वालिफाई भवानी देवी कर चुकी हैं भाई, तो अब क्वार्टर फाइनल में भवानी देवी। फेंसिंग से एक और खुशखबरी आती हुई, लेकिन आज मेडल प्रोस्पेक्ट एक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में आपको सुबह 5:30 बजे से एक्शन देखने मिल रहा है, वहां पर भी इवेंट चल रहे हैं। दो भाई दोनों लास्ट के कमेंट पढ़ दो एक बार, मैं फटाफट पहले नहीं वो जा रहे हैं भाई, अरे यार चलो भाई लोग, गॉट अ गो टू वर्क, यू आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब, ऑल पावर एंड लक टू यू। ये थे हमारे शर्मा जी और नीचे मदन लाल शर्मा जी, जो दूसरे शर्मा जी हैं सुबह से जुड़े हुए दो हमारे साथ, बोल रहे चलो बाय भाई, चलो टेक केयर भाई लोग, थैंक यू सो मच हमारे साथ सबसे पहले तो जुड़ने के लिए यार भाई लोग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अच्छा सब्सक्राइबर्स मोड ओनली ऑन है, तो लाइव वाला ना, हाँ हाँ हटा दो हॉकी वाला, हटा दो 16-1 से हम जीत चुके हैं, अब क्या है लाइव स्कोर, अब तो मुंह से ही बताते रहेंगे बार बार। लेकिन मेडल में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम क्वालिफिकेशन राउंड था, ब्रॉन्ज मेडल के लिए क्वालिफाई कर लिया है दिव्यांश सिंह पनवर और रमिता जिंदल ने। इसके अलावा आज भवानी देवी सबरे वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट में आपको गोल्ड मेडल के लिए देखने मिलेंगी, क्वालिफाई कर लिया है क्वार्टर फाइनल के लिए उन्होंने ऑलरेडी। इसके बाद बारी आएगी एक और मेडल गेम जो कि दिखने वाला है आपको किससे, अब बताता हूँ जूडो से, तो भाई जूडो से देखने मिलेगा, अवतार सिंह ने 100 kg में क्वालिफाई कर लिया है नेक्स्ट राउंड के लिए। इंदु बाला देवी माए बम के भाई 78 kg वुमेन्स कैटेगरी में अपसेट हाथ लगाया, उनको हार गई हैं।
लेकिन दूसरी जो हमारी खिलाड़ी है विमेंस कैटेगरी 78 केजी कैटेगरी में तुलिका मान, आपको एक्शन में देखने मिलेंगे। और तुलिका मान का ही मुकाबला शुरू हो चुका है यहाँ, इंडिया वर्सेस थाईलैंड। तुलिका मान नहीं है, इंडिया वर्सेस थाईलैंड नहीं है, नहीं तुलिका मान नहीं है लेकिन। अच्छा, मायबम है वो। मायबम है तो भाई मायबम का मुकाबला थाईलैंड से होता हुआ, अपसेट पहले तो था लेकिन अब मायबम एक बार फिर से खेलती हुई और कुछ हो रहा है, एक्शन जबरदस्त चल रहा है। मैं तो चाहता हूँ ये एक्शन चलता रहे। है ठीक है, और पहला मेरे ख्याल से पॉइंट अवार्ड किया जाएगा, नहीं ड्रॉ पर गए हैं, ड्रॉ पर गए थाईलैंड की खिलाड़ी। राम राम, राम राम मदन लाल शर्मा जी, राम राम, राम राम भाई, राम राम। आज के भाई मेडल इवेंट अभी बताते हैं भाई, थोड़ी देर में हर्षित भाई बताते हैं, क्योंकि इंडिया की इंदु बाला देवी जूडो में कंटेस्ट कर रही है। पहले आपको उसका एक्शन बता देते हैं, फिर आपको मेडल के इवेंट्स भी बता देंगे जी। तो भाई जूडो में 78 केजी कैटेगरी, इंडिया की इंदु बाला देवी, मायबम उनका सरनेम है भाई, इंदु बाला देवी। हाँ आगे, हाँ मायबम भाई ये देख लो यार, ऐसी गलतियां नहीं होती है मेरे से। तो वही तो बोल रहा हूँ, मायबम बोल दो ना, तुम इंदु बाला देवी क्यों बोल रहे हो भाई, उनका फर्स्ट नेम बोलो, अब मैं नहीं लास्ट नेम बोलो, महेंद्र तो मुझे, मैं तो द्विवेदी बोलता हूँ, नहीं बोलता तुम बोलते हो भाई, मैं तो कार्तिक ही बोलता हूँ ना, मैं क्यों बोलूँ मायबम, इंदु बाला देवी। अब अगर वो जानी मायबम से जाती है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इंदु बाला देवी कौन है। नेक्स्ट कौन सा मैच पहलवान जी बताए भाई, नेक्स्ट कौन सा मैच कौन सा मैच है भाई? भाई अभी तो चल रहा है इंदु बाला देवी जूडो का मुकाबला चल रहा है 78 केजी विमेंस कैटेगरी में, इंदु बाला देवी थाईलैंड के खिलाड़ी के अगेंस्ट खेल रही है। और यहाँ पर इपन होने से बचना पड़ेगा, जो कि लास्ट इवेंट में इपन हुई थी, इपन कर दिया था, कर दिया था तो इस मैच में भी इपन कर देंगी मुझे लग रहा है। लेकिन अभी जो है ना ओदा एकुमी के अगेंस्ट काफी ज्यादा कॉशियसली खेल रही है मेरे ख्याल से, कॉशियसली का खेल रही है, चढ़ के खेल रही है, लिटाया हुआ भाई, क्या नाम उनका, वाइट वाली, दो बार हम डिफेंस में आए हैं, तीन बार कुछ वाइट वाले हम है ना, हाँ तो वही तो बोल, लिटाया हुआ है भाई, दो बार डिफेंस में आए हम, एक बार अभी देखना, अभी करा हुआ और येलो पर जाती हूँ, मतलब एक वार्निंग मिली है थाईलैंड, और अब अग्रेसिव हुई है वो, अरे दो बार से अग्रेसिव है भाई वो, जब जब मैंने देखा लेटी हुई थी, अभी भी लेटी हुई है, नहीं अभी अभी ऊपर लेटी हुई है ना, और क्लिंच की पोजीशन में जाती हुई, और एक और बार डिफेंस से कॉल रेफरी द्वारा। तो भाई डेढ़ मिनट का समय शेष बचा हुआ है, दो मिनट के आसपास, डेढ़ दो। एक तरफ इंडिया की दीपिका पालिकल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में खेल रही है, दूसरी तरफ भाई ये काला वाला ज्यादा ही सयाना बन रहा है थोड़ा कौन है ये, तुम्हारा दोस्त लग रहा है मुझे भाई, भाई, भाई ऐसा थोड़ी होता है जो बोले वो मेरा, ऐसे मत बोलो यार, शिवम भाई, शिवम भाई थैंक यू सो मच यार, मुझे डिफेंड करने के लिए यार, थैंक यू यार, अग्रेसिव खेल रहा है काफी ये लड़का, बहुत अग्रेसिव, ये देख रहा है मेरे पे जुल्म हो रहा है इंगो भाई। जय श्री राम, जय श्री राम लक्ष्मी भाई, कैसे हैं यार आप? अब बता देता हूँ फटाफट मेडल इवेंट्स, लगातार दो येलो पे डाल दिया, मतलब वार्निंग पे वार्निंग दी जा रही है, एक वार्निंग इंडिया की इंदु बाला देवी को मिली है और दो वार्निंग मिली है थाईलैंड की खिलाड़ी को, तो यार टफ होने वाला है। येलो पे अगर गई तो वहां पर रेफरी जो होते हैं ज्यादा येलो वाले को डिसएडवांटेज हो जाता है, वहां पर अवार्ड करते हैं जिसपे कम येलो कार्ड्स होते हैं, तो भाई वार्निंग हो सकता है भाई। आज के मैं मेडल इवेंट्स बता देता हूँ सबसे पहले तो आपको, तो भाई सबसे पहले एक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी के इवेंट चल रहे हैं, ड्रेसिंग प्रिक्स सेंट जॉर्ज टीम एंड इंडिविजुअल दोनों ही इवेंट आपको देखने मिलेंगे, वहां पर एक्शन जबरदस्त चल रहा है, गोल्ड मेडल की प्रोमिनेंसी भी टीम इंडिया दिखा सकती है, वहां पर आपको एक्शन के बारे में लाइव अपडेट्स भी बता देंगे कुछ देर में। इसके बाद शूटिंग से सुबह सुबह एक बड़ी खबर आ गई, 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम क्वालिफिकेशन ब्रॉन्ज मेडल इवेंट था और उसमें ब्रॉन्ज मेडल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और मेडल का कलर भी चेंज कर सकते हैं दिव्यांश सिंह पनवर और रमिता जिंदल, ये वही रमिता जिंदल है जिन्होंने टीम इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कल परसों फर्स्ट डे वन पे दिलाया था ब्रॉन्ज मेडल। तो भाई दिव्यांश सिंह पनवर टीम इंडिया के एक शानदार खिलाड़ी है, आपको देखने मिलेगा गोल्ड मेडल मैच, ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है ब्रॉन्ज मेडल, मैंने टॉप थ्री के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दूसरी तरफ भवानी देवी टीम इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की टॉप सीडेड फेंसर, वर्ल्ड की नहीं एशिया की टॉप सीडेड फेंसर आपको देखने मिलेंगी वुमेन्स सबरे इंडिविजुअल इवेंट में भवानी देवी, गोल्ड मेडल मैच ये भी होने वाला है। बात करें बाकी के इवेंट्स की तो आपको एक्शन देखने मिलेगा जूडो से,
मेंस अवतार सिंह देखने मिलेंगे, मेंस में 100 केजी कैटेगरी में इंडिया के अवतार सिंह ने क्वालिफाई कर लिया है नेक्स्ट राउंड के लिए, क्वार्टर फाइनल के लिए। इसके अलावा इंदु बाले देवी मायबम जो कि खेल रही हैं, लगातार दो वार्निंग इनको भी मिल गई हैं, उनका मुकाबला थाईलैंड की खिलाड़ी के अगेंस्ट चल रहा है 78 केजी कैटेगरी में। इसके ठीक बाद तुलिका मान टीम इंडिया की जूडो में 78 केजी कैटेगरी में हमारे दूसरे प्रोस्पेक्ट आपको देखने मिलेंगे जूडो से। और ये शिवम भैया जी मुझे पसंद नहीं करते, वो बोल रहे हैं भाई फुटबॉल का नेक्स्ट मैच कब है बता दो भाई। तो शिवम भाई फुटबॉल का इंडियन मेंस टीम का नेक्स्ट मैच कल होने वाला है, इंडिया वर्सेस सऊदी अरेबिया। टफ ड्रॉ, काफी ज्यादा टफ मैच होने वाले हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया एक अलग लेवल की टीम बन चुका है। अब उनका यूरोपियन क्लब्स के साथ, यूरोपियन टीम्स के साथ मतलब उठना बैठना चल रहा है, उठना बैठना चल रहा है उनका, सही में उठना बैठना चल रहा है। तो अलग लेवल पे खेल रही है वो टीम, और इंडिया टीम अपसेट कर सकती है यार, किसी भी टीम का दिन है तो अपसेट कर सकती है। और मेरे मायने में अभी थोड़ी देर पहले मदन लाल जी ने कमेंट किया था कि यार गोट कौन है, रोनाल्डो या मेसी, तो मेरा जवाब सिंपल सा था और वो वही रहेगा कि सुनील छेत्री गोट है यार। जब हमारे पास छेत्री है तो और गोट कौन हो सकता है, तो भाई सुनील छेत्री गोट है। हाँ मैं रोनाल्डो फैन हूँ तो रोनाल्डो भी है उस लिस्ट में, लेकिन सुनील छेत्री इज द गोट फॉर मी। तो भाई शाम को मुकाबला आपका खेला जाएगा इंडिया वर्सेस, और इप्पन जीत गई है भाई, इप्पन से जीत गई है ओएडा, और था इंडिया हार गया यहाँ से, और 78 केजी कैटेगरी में हम एलिमिनेट हो चुका है इंडिया, इकुमी ओएडा जीत चुकी है इप्पन से। तो एक बुरी खबर आती है, एक बुरी खबर आती है, शिवम भाई बोल रहे हैं नहीं नहीं भाई तुमसे तो प्यार है, ब्लैक लवर दिखाई देंगे, लेकिन सेलिंग से आज मेडल की उम्मीद होने वाली है, मल्टीपल इवेंट्स होने वाले हैं, मल्टीपल एथलीट्स, मल्टीपल सेलर्स टीम इंडिया के यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे, मेडल इवेंट होने वाला है, तो भाई एक्शन ढेर सारा है, और आज का फाइनल मेडल इवेंट सेलिंग का ही होगा। तो भाई यहाँ से ट्यून रहिएगा हमारे साथ सबसे पहले, तो क्योंकि हम आप तक अपडेट्स ढेर सारी पहुंचाते रहेंगे। टीम इंडिया की खिलाड़ी आगे चल रही है इस वक्त पर पाकिस्तान के अगेंस्ट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्क्वाश मुकाबला चल रहा है विमेंस का, 3-0 से आप जीतने वाले हैं, 9 कितना हो गए, 9-3 बस है, दो पॉइंट्स और 3-0 से हम आगे ले लिया है, 10-3 हो गया है, टीम इंडिया 10 से लीड कर रहा है, और टीम इंडिया की दीपिका पल्लिकल है कि कोई और, दीपिका पल्लिकल है, दीपिका पल्लिकल हाँ। तो भाई दीपिका पल्लिकल और गेम पॉइंट मिल गया है टी खन्ना, खन्ना अरे टी खन्ना भाई एक्वेस्ट्रियन में, हाँ एक्वेस्ट्रियन में मिलता हुआ, और तुम क्या देख रहे हो, ये बहुत दीदी ऐसे चीजें देखने मिलती नहीं बार बार यार, नहीं है भाई दीपिका पल्लिकल नहीं है, दीपिका पल्लिकल नहीं है मेरे ख्याल से, मैं भूल रहा हूँ, दीपिका पल्लिकल हालांकि नहीं है, लेकिन विमेंस टीम का मैच चल रहा है इस वक्त पे पाकिस्तान के अगेंस्ट, और स्ट्रेट सेट में मुकाबला जीत चुके हैं, लगातार 3 में से 3 मैच हमने जीत लिए हैं। अगर मेडल्स की बात की जाए तो इंडिया ने श्रीलंका को कल हराकर गोल्ड जीता, दिव्यांश ऐश्वर्य और रुद्राक्ष की टीम क्रिकेट में, क्रिकेट में राइफल भी बता दो, हाँ क्रिकेट में जीता भाई, 19 रन बोल दिया है मैंने, 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में शूटिंग में गोल्ड मेडल ग्रैब किया था, शूटिंग के मेंस 10 मीटर एयर राइफल में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर इंडिविजुअल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल, इसके अलावा 10 मीटर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में हमने ब्रॉन्ज मेडल ग्रैब किया। तो भाई कई सारे हम मेडल जीतते जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं या लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लक्ष्य भाई बोल रहे हैं कि इंडिया और सिंगापुर का मैच हो गया ओवर, हां जी सर हो गया, 16-1 से इंडिया ने सिंगापुर को मतलब हालत खराब टाइट जो भी आप बोलना चाहेंगे सब कुछ कर दिया सिंगापुर के साथ, और आज कितने मेडल आ सकते हैं ये तो भाई ने आपको बता ही दिया पूरा पढ़ पढ़ के। अमरपाल सिंह बोल रहे हैं हैंडबॉल का मैच कब है, इंडिया नहीं है यार हैंडबॉल का मैच कब है, इंडिया है ही नहीं अमरपाल सिंह जी हैंडबॉल में, हालांकि प्रीमियर हैंडबॉल लीग के बाद होना चाहिए था ये सब, लेकिन कोई बात नहीं, ये एशियन गेम्स का, कॉमनवेल्थ का, ओलंपिक्स का सपना भी एक दिन पूरा जरूर होगा हैंडबॉल टीम का। अभी इस टाइम पे जो लाइव तो चल रहा है इस टाइम पे स्क्वाश का मैच, इस वक्त एक्चुअली 3 मैचेस चल रहे हैं, इक्वेस्ट्रियन मैचेस मतलब घुड़सवारी के मैचेस चल रहे हैं, दूसरी तरफ स्क्वाश के गेम्स देखने को मिल रहे हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिल रहा है वहां पे, और इस एक तरफ मुकाबला हो रहा है किसका किसका भाई, जूडो का चल रहा है, अभी हारे हम इप्पन से हारे हैं थाईलैंड के खिलाफ, और वो एलिमिनेटर था, एलिमिनेटर राउंड 16 हार गए, क्या नाम था इंदुबाला ना, हाँ इंदुबाला देवी मायबा, तो भाई हार गए हैं इंदुबाला जी, तो बाहर हो चुकी हैं, एलिमिनेशन राउंड था थाईलैंड की, वो लग ही रहा था जैसे हिसाब से खेल रहे थे,
why Taiwan is participating as Chinese Taipei? Because जो आपका नाम है ना चाइना फ्रेंडली नेबरहुड नहीं है इसलिए योर फ्रेंडली नेबरहुड पेबो तो बस वो फ्रेंडली नहीं है सर, ये थोड़ा पॉलिटिकल थोड़ा है मसला है। ताइवान को कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं जाता है, ताइवान को चाइनीज ताइपे के रूप में नाम से एक्सेप्ट किया जाता है, चाइना के पास होस्टिंग है तो भाई क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चाइना की देखिए कई सारी सब्सिडरीज ऐसे, मतलब चाइना की उससे देखा जाए तो कई सारी सब्सिडरीज हैं, मकाओ चाइना लिख देते हैं, हांगकांग चाइना है, और मतलब एक साथ तुम चार चार टीमें खिला रहे हो सबसे पहले तो इनको बैन कर देना चाहिए। इनके ड्रॉ भी तो ऐसे निकल रहे हैं ना इस बार, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ड्रॉ निकाले जा रहे हैं। मतलब इंडियन टीम के सारे मैचेस ए लेवल के टीम्स के साथ और ए लेवल के मैचेस हो रहे हैं, और चाइना के मैचेस जितने भी हो रहे हैं वो सारे बहुत लूज लूज हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा चाइनीज कंटिंजेंट जो है वो वीक है, लेकिन यार लेकिन नहीं करना चाहिए यार, नहीं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए जब स्पोर्ट्स की बात आती है। बिल्कुल 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 नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो जाती है वो सबको पता है। और यहाँ पे 5-2 अब ये कौन सा सेट है भाई, तीसरा सेट है ना ये तीसरा सेट चल रहा है तो ये दूसरा सेट चल रहा है भाई, दूसरा सेट चल रहा है भाई। अब ये वाला भी जीतते हैं तो फिर से स्ट्रेट सेट से हम तीसरी लगातार गेम जीत जाएंगे और फिर खत्म मैच स्क्वाश का। नहीं नहीं स्क्वाश का वो चल रहा है ना, अभी ये टीम इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी चलेगा, ये टीम है लेकिन बातचीत चल रही है तो बड़े आसानी से यहाँ पे दोनों ही जो इससे पहले प्रोसीड कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया ने दो सेट लगातार जीत लिए हैं स्क्वाश में, तीसरा सेट भी हम बड़ी ही आसानी से यहाँ पे जीतने वाले हैं, 8-2 से आगे हो गए हैं, एक सेट जीत गए हैं, ये वाला सेट जीतेंगे तो ये गेम भी खत्म हो जाएगा 3-0 से इंडिया, ये वाला टीम इवेंट तो बड़ी प्यार से आराम से जीत जाएगा। एंड डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू द इंडिविजुअल इवेंट्स, क्योंकि भाई टीम इवेंट में तो यही हिसाब किताब है, इंडिविजुअल में थोड़ी टक्कर मिल सकती है लेकिन मुश्किल है जिस हिसाब से अभी तक फॉर्म में लग रही है दीपिका पल्लिकल है भाई जो खेल रही हैं। नहीं यार दीपिका पल्लिकल को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। नहीं है, नहीं है दीपिका पल्लिकल कौन है फिर ये? यार मैं बताता हूँ अभी कंटिंजेंट देख के बताता हूँ, ऐसे सबके नाम याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन देखते बनेगा। लगे तो वही थी अच्छा हाँ दीपिका पल्लिकल, दीपिका पल्लिकल नहीं है भाई, नहीं दीपिका पल्लिकल नहीं है, ये खिलाड़ी है आपकी कहाँ चली गई भाई, शूटिंग का भी चल रहा है ब्रॉन्ज मेडल मैच, तन्वी खन्ना है भाई, ये टी खन्ना, तन्वी खन्ना ये थी टी खन्ना भाई, तो जिनको तुमने ऑस्ट्रेलियन में मेडल जितवा दिया, मैंने मेडल नहीं जिताया, मैंने कहा नेक्स्ट राउंड के लिए और एक ऑस्ट्रेलियन के मुकाबले पर तन्वी खन्ना नहीं थी ना, फिर तन्वी खन्ना नहीं थी तो भाई तन्वी खन्ना आगे चल रही है आज गुजरात, हाँ ठीक है 9-6 से आगे चल रही है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच मुकाबला चल रहा है स्क्वैश का, बस दो और पॉइंट और भाई इंडिया मेडल टैली में सेंचुरी मारेगा क्या? अरे भाई यार शिवम भाई बिल्कुल मारेगा यार, इस बार तो हमें मतलब पूरी उम्मीद लग रही है क्योंकि अभी मतलब मुश्किल से 10 इवेंट शुरू हुए हैं, 38 से ज्यादा इवेंट खेले जाएंगे और 10 स्पोर्ट्स शुरू हुए हैं 38 से ज्यादा स्पोर्ट्स में से, तो होगी सेंचुरी यार, सेंचुरी होगी यार बिल्कुल होगी, शूटिंग से अभी कई सारे मेडल्स आएंगे, इसके अलावा भी रेसलिंग शुरू होगा, रेसलिंग में आएगा, बॉक्सिंग में आएगा, बॉक्सिंग में भी 3-4 मेडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार, गोल्ड 3-4 गोल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा अभी शुरू होंगे, फिर भी बहुत दूर है यार, यार दूर नहीं आप रेसलिंग से जीत जाएंगे मेडल्स, बॉक्सिंग से जीत जाएंगे, फिर शूटिंग से भी आप एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं स्क्वाश से 3 आ सकते हैं, रोइंग में इस बार सरप्राइज करा है तो, और सरप्राइजिंग तो वैसे बहुत सारे इवेंट्स में हुआ है, हॉकी में भी आप ले लेंगे, एथलेटिक्स आए थे आप, मतलब मैं उस दिन सुन रहा था कि एथलेटिक्स में आप कितने जीत सकते हो, तो भाई एथलेटिक्स का आपने नाम लिया नहीं था, 3-4 प्रोबेबल्स बताए थे कि ये जीत सकते हैं, एथलेटिक्स में पता है बहुत सारे इवेंट में हम ग्रैब कर सकते हैं, नीरज चोपड़ा आएंगे, किशोर जेना इन्होंने 84 क्लॉक किया था डायमंड लीग में, तो भाई ये पीछे नहीं रहने वाले, 84 मीटर इन्होंने क्लॉक किया था और नीरज चोपड़ा ने उस इवेंट में 88 क्लॉक किया, तजिंदर तूर भी हैं, ये भी कर सकते हैं, 3 लिख के ले लीजिए, इसके अलावा जब नाम आएगी तो मुरली श्रीशंकर है यार, तो लॉन्ग जंप में जैस्मिन एल्ड्रेन है, प्रवीण चित्रावल है, कई सारे अब्दुल्ला अबूकर आए, राम बाबू जिनसन जैनसन, आप मतलब एक्शन ढेर सारा है, विमेन्स कैटेगरी में भी देखने मिलेगा, विमेन्स की भी बात कर लेंगे लेकिन मेन्स कैटेगरी में रिले में आएगा, ट्रैक इवेंट में इस बार हम बहुत सारी मेडल जीत रहे हैं, बात करें राम बाबू है, मान सिंह है, निहाल विलियम्स, बड़ा नाम मोहम्मद अनस यहिया,
यार बहुत बड़े बड़े नाम है, मोहम्मद अजमल, इनकी जोड़ी हमें देखने को मिली थी इनके अबूकर के साथ 4x400 meter मेंस रिले में, और गोल्ड जीता था एशियन चैंपियनशिप में। हाँ। तो भाई हम पीछे नहीं रहने वाले, बहुत सारे मेडल्स आने की उम्मीद है हमें एथलेटिक्स से, ट्रैक एंड फील्ड से, और सबसे ज्यादा मेडल्स एथलेटिक्स की ही कैटेगरी में। तो भाई ये तो रही बात मेंस की। इसके अलावा अगर बात करें, किरण बालियान है, मनप्रीत कौर है, आपको यहां से देखने को मिल सकता है, ज्योति यराजी है, हिमांशी मलिक, मतलब बड़े नाम नहीं है, सीमा पूनिया एक बड़ा नाम है, यराजी बड़ा नाम है, सीमा पूनिया सबसे बड़ा नाम है इसमें, इसका स्त्रो सीमा पूनिया मेडल ला सकती है ये भी। हालांकि सामने चाइना और जापान वपान की कड़ी चुनौती जरूर होने वाली है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे देख रहे हैं भाई जी। इंडिया के गोल्ड के गोल्ड मेडल्स एज से 1/10 हो सकते हैं रियलिस्टिकली स्पीकिंग। हाँ, हो सकते हैं, हो सकते हैं 1/10 तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं 1/10 का मतलब होगा अगर यार मैं काउंट करता हूँ यार, अभी रुको, नीरज चोपड़ा से एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम गोल्ड, ये काउंट करने जाएंगे तो 100 कहाँ काउंट करोगे तुम। नहीं नहीं मैं गोल्ड गोल्ड सिर्फ देख रहा हूँ, गोल्ड गोल्ड सिर्फ गोल्ड प्रोबेबल जो एकदम पक्के पक्के लग रहे हैं गोल्ड। ठीक है, कहता हूँ अभी आर्चरी के भी इवेंट नहीं शुरू हुए हैं यार, आर्चरी में भी ओजस देवताली जिस तरह की फॉर्म में काफी शानदार चल रहे हैं, प्रथमेश जावकर ये सब अच्छे अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, प्रथमेश जावकर के पास ओलंपिक एक्सपीरियंस भी है यार। गोल्ड में आर्चरी से गोल्ड नहीं, गोल्ड नहीं, मैं हाँ गोल्ड तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन हाँ कुछ तो एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन मैं इनसे गोल्ड, मनु भाकर पिस्टल का इवेंट अभी शुरू नहीं हुआ है यार, अभी वो चल रहा है, अच्छा स्टार्ट हो गया है तो भाई हम जरूर नजरें लगाते हैं, आप कंटिन्यू रखिए, तब तक मैं देखता हूँ, आप तब तक इस पे कंटिन्यू रखिए कि ज्योति यहाँ पे सुरेखा हो सकते हैं, अदिति स्वामी, प्रणीत कौर, लेकिन मैं फिर से वही बोलूंगा गोल्ड नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि आर्चरी में एक्चुअली हो सकता है लेकिन टफ है, क्योंकि जो कंपटीशन है ना आर्चरी में बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है आर्चरी में इस टाइम पे, तो रिकर्व कंपाउंड नहीं, मैं गोल्ड तो नहीं कर रहा एक्सपेक्ट, अगर जीत जाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड तो ये वुमेन्स की सेकंड टीम है भाई, अवनीत कौर, ज्योति सुरेखा, अदिति स्वामी और प्रणीत कौर, इनसे आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो लग नहीं रहा मुझे कि गोल्ड यहां से जीतेंगे। बाकी एथलेटिक्स की बात आती है लड़कों में, भाई नीरज चोपड़ा सबसे पहला प्रोस्पेक्ट है, इसके अलावा भी और है यहां पे लड़कों की, हाँ लॉन्ग जंप में कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, वुमेन्स में 4x400 meter ट्रैक इवेंट में, रिले में कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हैं यार, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे। बैडमिंटन की बात करें, प्रणॉय हैं, श्रीकांत हैं, सेन हैं, तो बैडमिंटन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विमेंस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बॉक्सिंग में भोरिया जी हैं, थापा हैं, और विमेंस में निखत जरीन हैं। आपको रोकना चाहूंगा, एक्सपेक्ट हम करेंगे अब क्योंकि दिव्यांश सिंह पनवर और रमिता जिंदल की जोड़ी गोल्ड पर निशाना लगाने बैठी है 10 meter एयर राइफल इवेंट में, मिक्स टीम इवेंट है, और फाइनल टू में पहुंच चुके हैं भाई हम लोग, मतलब अब सिल्वर तो पक्का है हमारा, कम से कम सिल्वर पक्के, और यहाँ पे चेस का पूछ रहे थे शिवम भाई, चेस में कौन है भाई, पगनंदा है चेस में, और यहाँ पे हम चेस में तो गोल्ड ऑलमोस्ट यहाँ पे पक्का ही लगा के चलिए आप कि हम हो ही जाएगा चेस में। लड़कियों में यहाँ पे वनिका अग्रवाल है, वो कर सकती है कुछ ना कुछ, लेकिन दिखते बनेगा, टीम इवेंट भी दिखते बनेगा चेस में, लेकिन मेंस में तो प्रगनंदा है, जूनियर ग्रैंड मास्टर तो नहीं लेकिन जूनियर चैंपियनशिप जरूर ग्रैब कर चुके हैं विदित गुजराती, लेकिन यहाँ पर गोल्ड के कंटेंडर तो प्रगनंदा ही है, प्रगनंदा है, लेकिन यहाँ पर बड़ा इवेंट चलता हुआ टीम इंडिया के दिव्यांश सिंह पनवर और उनके साथ रमिता जिंदल की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट चल रहा है, मिक्स इवेंट, और वहां पर सिल्वर एटलीस्ट मिलने वाला है टीम इंडिया को, और इवेंट शुरू होने वाला है, गोल्ड मेडल मुकाबला है ये, और यहां से हम बड़ा कुछ एक्सपेक्ट जरूर करेंगे, इंडिया को आज तीसरा गोल्ड मेडल भी मिल सकता है, ये ब्रॉन्ज मेडल मैच है, मेरे ख्याल से ये ब्रॉन्ज मेडल मैच है कि गोल्ड मेडल मैच है, देखना होगा, अभी तक कुछ क्लियर आउट तो नहीं हुआ है, ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन टॉप टू में है तो कुछ अलग है भाई ये, कि ब्रॉन्ज मेडल मैच ऐसे होता नहीं है, इसमें ऐसे होता है ना कि आपके पास मान लीजिए टीम पूरी, भाई सिल्वर मैच इज बिटवीन चाइना एंड कजाक, मेरे ख्याल से अंशुमान दास भाई, देखना होगा, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ टीम इवेंट शुरू होने के बाद जरूर पता चल जाएगा, लेकिन जितना मैंने अभी तक देखा है शूटिंग में आउट तब होता है कोई टीम या कोई खिलाड़ी जब आपके पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं 2 shots के बाद, तो अब वैसे देखा जाए तो
तो जरूर इंटरेस्टिंग होगा कि भाई टीम इंडिया इसे जीत कर आगे जा सकती है या नहीं, लेकिन चाइना कजाक ब्रॉन्ज मेडल मैच है, ब्रॉन्ज मेडल मैच, ओके ठीक है चलो, तो मतलब एक ब्रॉन्ज आ सकता है या नहीं, तो अभी तो यही निगाहें बरकरार रखनी होगी। रिपब्लिक ऑफ कोरिया सामने है, ली ई और पार्क ह्यून, पार्क ह्यून अच्छे खिलाड़ी हैं, इन्होंने लास्ट जो 10 मीटर का इंडिविजुअल इवेंट था उसमें सिल्वर ग्रैब किया था जी, और काफी शानदार खिलाड़ी है। 10.6 10.1 ओपनिंग करते हुए अपनी 10.6 10.1 के स्कोर के साथ। बात करें इंडियन टीम की तो 21.1 से लीड कर रहे हैं ब्रॉन्ज मेडल मैच, रिपब्लिक ऑफ कोरिया 20.7 स्कोर है उनका और इंडिया का 21.1, तो टीम इंडिया अभी लीड कर रही है इनिशियल राउंड्स में। देखना होगा क्या ब्रॉन्ज मेडल हम एक और अपनी टैली में ऐड कर पाएंगे या नहीं। दिव्यांश सिंह पनवर और रमिता, रमिता जिंदल, मैं तो यार रमिता का फैन हो गया यार। अच्छा, जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस करा है अभी तक, मैं तो फैन हो गया रमिता का। चलिए दिव्यांश सिंह पनवर, रमिता जिंदल दूसरा शॉट लेते हुए, सीरीज वन चल रहा है अभी, दूसरा शॉट लेते हुए क्या 10.9 पर निशाना लगा पाएंगे, जो कि शूटिंग का हाईएस्ट स्कोर होता है। 10.9 पर निशाना, 10.5 रमिता, रमिता के शूट से आया आता हुआ 10.5। दिव्यांश सिंह पनवर पर निगाहें देखनी होगी भाई, कितना सॉलिड, कितना 10.7 शानदार शॉट, 10.7 दिव्यांश सिंह पनवर, 10.5 रमिता जिंदल। एक बार फिर से आपको देखने को मिल रहा है इंडियन एक्शन, ब्रॉन्ज मेडल मैच इंडिया वर्सेस रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच देखने को मिल रहा है। 21.2 चार टोटल्स के बाद टीम इंडिया का जो स्कोर है वो 21.2 है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए रिपब्लिक ऑफ कोरिया अभी थोड़ा सा ही पीछे है, लेकिन मार्जिन कभी भी कम हो सकता है इंडिविजुअल। ये मार्जिन अच्छा खासा है यार, टीम में नहीं है अच्छा खासा, इंडिविजुअल में होता तो मैं मान सकता था कि वन का मार्जिन बहुत ज्यादा है, पर दोनों साइड तो टीम है ना यार, बहुत हल्का हल्का सा भी इधर उधर हो गया तो कन्वर्ट हो जाता है ना यार। चलिए अब ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट होगा सीरीज टू, चौथा शॉट रिपब्लिक ऑफ कोरिया शुरुआत कर रहा है सीरीज टू की, देखना होगा दिव्यांश सिंह पनवर, पार्क ह्यून, ह्यून पार्क 10.5 10.3 और 10.5 लगाया है रमिता ने, 5 एक आ गया, अब इनको 10.5 से ज्यादा ही चाहिए, ज्यादा चाहिए आगे आने के, 10.5 बराबर वैसे नहीं, सही है, जीत गए ना हम, 10.5 था ना, दोनों 10.5 था, हमारे पहले का 10.7 था ना जी, तो वहां से हम लीड कर रहे हैं भाई, ये वाला भी राउंड लीड ही कर रहे हैं। कोड विद एसएच भाई, ब्रॉन्ज मेडल मैच है बिल्कुल, आई रेक्टिफाई माई सेल्फ। 6 शॉट्स के बाद इंडिया का स्कोर 21, रिपब्लिक ऑफ कोरिया 20.8, 0.2 का फर्क है सिर्फ, तो भाई ये कंटिन्यू रहने वाला है। अभी कितने राउंड्स होते हैं आपको पता है इसमें, हाँ कितने शॉट लिए जाते हैं, 30 इनिशियल शॉट्स लिए जाते हैं जी, उसके बाद हर दो शॉट्स में पता चलता है कि स्कोर क्या किस तरफ जा रहा है। हालांकि इंडिविजुअल इवेंट का मेरे को पता है और टीम इवेंट का पता है, टीम इवेंट एज इन 3 से ज्यादा प्लेयर्स जिसमें खेलते हैं, तो भाई इसका मेरे को देखना होगा कि किस तरह से गेम प्ले चलता है, लेकिन 30 इनिशियल शॉट्स लिए जाते हैं शूटिंग में जी, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में, जो कि 120 मेरे ख्याल से उसका होता है, सेकंड पे एक शॉट लेना होता है, तो देखना होगा किस तरह से खेलते हैं। 16 पॉइंट्स अंशुमन दास जी, 16 पॉइंट्स होते हैं तो भाई 16 पॉइंट्स होते हैं तो 16 शॉट्स लेने होते हैं, अभी तक 6 शॉट्स हुए हैं, ठीक है देखना होगा। रमिता जिंदल और इलियाना ली 6 शॉट्स के बाद टीम इंडिया का स्कोर 0.2 से ज्यादा था, 10.1 कितना लगाएंगे, चलिए ये भी ठीक है, 10.3 और मेडल गारंटीड हो गया भाई भवानी देवी का, और ये बिल्कुल मैं शेयर जरूर करूंगा। चलिए भाई, इंडिया ने पाकिस्तान को स्क्वाश मैच में तो 3-0 हरा दिया है, चलिए ये भी ठीक है। मैं जरा अपडेट आ रही है यहाँ पे, इंडिया ने तीनों के तीनों गेम्स पाकिस्तान को हरा दिया, और मेरे ख्याल से स्ट्रेट सेट डिफीट थी पाकिस्तान के लिए, तीनों ही मैचेस में डोमिनेट कर लिया है, एनाइलेट कर दिया, सब कुछ कर दिया भाई, जो भी आप कर सकते हैं दूसरे अपोनेंट के साथ एक गेम में, इंडिया ने सब कुछ कर दिया है। तीन
गेम्स तीनों की तीनों स्ट्रेट सेट्स इंडिया जीता है और ओवरऑल अब 3-0 से विमेन्स स्क्वैश मैच इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। और एक और बड़ी खबर ये आती हुई कि भवानी देवी जो कि इंडियन फेंसर है, मेडल पक्का हो गया है फेंसिंग से। भवानी देवी क्रिएट्स हिस्ट्री एंड बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर अ मेडल इन द फेंसिंग विमेन्स सब डिविजन। और यहाँ से एक बड़ा इवेंट तो उधर कोरिया अब थोड़ा आगे फॉर्म में आ रही है जबरदस्त 10.9 10.8 और इंडिया थोड़ा अब पीछे हो गया है 1.1 3.1 ऐसे लग रहे हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो गेम शुरू हुई है बस। तो अब कोरिया देखो आगे निकल गया 21.7 से और इंडिया का टोटल है 20.5, तो भाई 1.2 से पीछे चल रहे हैं। हाँ। क्या था मैंने देखा नहीं देखना होगा। 7 और 7 शॉट लिए हैं कोरिया ने, अभी 8 ले चुका है इंडिया। हाँ, तो भाई ठीक है, होता रहता है, अपसेट डाउन से भरा गेम है यार, देखने मिलेगा। एक बार फिर से नमिता क्या 10.9 सिक्योर कर पाएंगी देखना अहम होगा। नमिता 10 और यहां से टीम इंडिया लीड ले सकती है, नमिता के पास एडवांटेज पे लाने का टीम इंडिया को सुनहरा मौका है। 10.9 10.8 7 कुछ भी चलेगा यहां से लीड को सिक्योर करने के लिए। 10.5 का मार्जिन पार्ट दिया है, उधर पार्क ने 10.8 कर दिया ना यार, 10.8 और दिव्यांश पनवर को भी कुछ मैच करना पड़ेगा। मुझे 10.1 लग रहा है, लो हो गया बराबर, अभी सेम ही है भाई, सेम चल रहा है यार, सेम चला, कुछ फर्क नहीं पड़ा आफ्टर 10 शॉट्स, सेम चल रहा है भाई, दिक्कत पे। इधर मेहुली घोष आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, लेकिन शूटिंग में स्कोर लेवल हो गया है भाई 20.8 20.8 इस वाली सेट का, 20.8 के साथ बराबर ही हो गई है जी जी जी। इस सेट के बाद, सेट ऑफ शूट्स के बाद टीम इंडिया एडवांस अच्छे से कर रहा है। शूटिंग का इवेंट चल रहा है, मिक्स इवेंट 10 मीटर एयर राइफल का ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला, दिव्यांश सिंह पनवर रमिता जिंदल टीम इंडिया के। क्या ब्रॉन्ज मैच हम जीत पाएंगे या नहीं साउथ रिपब्लिक ऑफ कोरिया के अगेंस्ट, सीरीज 6 9 शॉट्स हो चुके हैं, 10वें शॉट पर क्या होगा। दिव्यांश सिंह पनवर ह्योन पार्क देखना होगा, 10.7 ली ने लगाया है, दूसरी तरफ 10.8 रमिता 10.8 और 10.8 ह्योन पार्क, दिव्यांश सिंह पनवर यहां पे पनवर को 9.9 काफी ज्यादा निराशाजनक। और अपने ही परफॉर्मेंस को 10.8 इन्होंने लगातार लगाया, फिर लगातार नीचे आते जा रहे हैं, 10.5 आए 10.3 आए और अब 9.9 जो कि काफी ज्यादा नीचे है। ये वाला सेट तो 10th के बाद 10 शॉट्स के बाद तो अभी तक हम पिछड़ रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया क्या आगे आ पाएगा या नहीं, कमबैक कर पाएगा या नहीं ये देखना होगा। तो देखिए अभी सीरीज 6 के बाद तो इंडिया 9-3 लीड कर रहा है कोरिया के अगेंस्ट ब्रॉन्ज मेडल मैच में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। 9-3 हम लीड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं अच्छा जी, तो 16 पॉइंट्स की रीच जब हो जाएगी तो जीत जाएंगे भाई यार। लेकिन जो अभी तक का दिव्यांश पनवर का ग्राफ चल रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। 10.8 से शुरुआत करी थी, फिर 10.5 आए, लेकिन 10.6 यहां पर ली ने लगा दिया है, दूसरी तरफ इंडिया के 10.7 पार्क ने लगा दिया है, दूसरी तरफ 10.6 और 10.3 लगाया है टीम इंडिया। इस 7 सीरीज में अभी पीछे हो गया है, तो जो भी खिलाड़ी 16 पॉइंट्स पहले ग्रैब कर लेता है वो जीत जाएगा टोटल। और 10-7 हो गया है भाई, 10-7 हो गया है, टीम इंडिया पीछे चल रहा है काफी ज्यादा इस पिछले दो सेट्स में, दो सेट में पॉइंट का डिफरेंस काफी ज्यादा। ओवरऑल तो 10-7 टीम इंडिया लीड कर रहा है, लेकिन यार कोरिया को हल्के में नहीं आ सकते ना यार। तो वही है कि स्क्वॉश का क्या हालात है, स्क्वॉश का विमेंस का तो खत्म हो गया भाई, तो अब किसका है, अब मेंस का शुरू होगा। कितने बजे? अभी इसी के ठीक बाद, प्रेशर मत डालो यार, देख रहा हूँ मैं, जल्दी देखो भाई, जल्दी देख रहा हूँ भाई। दूसरी तरफ यहाँ पर एक्शन चल रहा है सीरीज 8, सीरीज 8 में टीम इंडिया अभी तक 10.4 लीने लगाया, 10.6 10.1 रमिता काफी नीचे, कुछ ज्यादा अच्छा मैजिकल करना पड़ेगा दिव्यांश सिंह पनवर को, अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट जैसे किया था वैसे करनी पड़ेगी, वापसी कमबैक करना पड़ेगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टाइम लेते हुए 9.8 9, ये मैं बात कर रहा था 9.9, फिर 9.8 आ गए अब, तो अब और बराबरी पे आते हुए टीम इंडिया अब मेरे ख्याल से पिछड़ गया, 9.9 हो गया भाई, 9.9 हो गया है।
जो भी टीम पहले 16 पे पहुंच जाएगी वो मेरे ख्याल से जो मेंस इवेंट था इंडिया वर्सेस सिंगापुर का जो स्क्वैश चल रहा था वो साइमल्टेनियसली चला है कहाँ पे है एक बार बता देते हैं कहाँ क्या रिजल्ट है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ एक बार चेक कर लो आप भी भाई कि साइमल्टेनियसली चला तो है इंडिया वर्सेस मेरे ख्याल से पर क्योंकि जो टाइम मेंशन था वो तो भाई यही था चलिए देखना होगा भाई थोड़ी देर में हम आपको अपडेट भी बता देंगे कुछ ही सेकंड्स में बता देंगे हम आपको अपडेट्स लेकिन देखना इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर किस तरह से टीम इंडिया खेल रही है सबसे पहले तो जो मुकाबला चल रहा है मेडल मैच रिपब्लिक ऑफ कोरिया और टीम इंडिया खेल रहे दिव्यांश सिंह पनवर रमिता जिंदल 10.5 रमिता 10.3 और इसमें हम आगे हो गए सीरीज 10 के बाद हमारा स्कोर हो गया 11 और दूसरी तरफ 9 है रिपब्लिक ऑफ कोरिया का स्कोर तो रमिता जिंदल ने वापसी कर दी है और उतनी ही वापसी करी है दिव्यांश सिंह पनवर जिन्होंने लगातार दो सीरीज में 9 पॉइंटर लगाए थे जो कि काफी ज्यादा कम होता है अगर शूटिंग की बात की जाए लेकिन वापसी कर ली है टीम इंडिया ने वापस से 10.3 दिव्यांश सिंह पनवर 10.5 रमिता जिंदल सीरीज 11 की मेरे ख्याल से शुरुआत होने वाली है और टीम इंडिया 11-9 से अभी लीड कर रहा है अब देखना होगा कि कैसे टीम इंडिया मेडल तक पहुंच पाती है या नहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है शूटिंग लाइव किस चैनल पर आ रहा है भाई शूटिंग का एक अलग आ रहा है कॉलम वहां पर सोनी लिप पर वहां पर आपको शूटिंग एक्शन देखने मिल जाएगा इसके अलावा स्ट्रीम टू इंग्लिश में आपको एक्शन देखने मिल जाएगा शूटिंग का तो भाई स्ट्रीम टू इंग्लिश पर जाके सोनी लिप पर अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर 10.7 दिव्यांश सिंह पनवर और टीम इंडिया ने लीड बना ली है अपनी काफी ज्यादा सीरीज 11 भी हमने अपने नाम कर ली है 13-9 हो गया है तीन शॉट दूर है टीम इंडिया ब्रॉन्ज ग्रैब करने से 10 मीटर मिक्स्ड राइफल इवेंट से 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट से ब्रॉन्ज मेडल मैच चल रहा है और टीम इंडिया 39 से आगे चल रहा है तो भाई सीरीज 12 में देखना होगा क्या टीम इंडिया एक डिसाइसिव लीड ले सकता है या नहीं यहां पे अब चल जाएगा पता और ये हम शूटिंग की आपको आखिरी अपडेट देके ये वाली लाइव स्ट्रीम हम खत्म करेंगे और आपको पूरे दिन बाकी लाइव स्ट्रीम देखने मिलती रहेगी हाँ। जी तो हॉकी हम जुड़े थे एंड नहीं करेंगे यहाँ पर तब्दीली देखने को मिलेगी बाकी मैं कंटिन्यू रखूंगा भाई चलिए ठीक है यहाँ पे कौन बैठेगा आपके साथ भाई हमारे चलिए ठीक है बहुत शानदार चलिए 10.9 मतलब ली ने सबसे ज्यादा पॉइंटर लगा दिया है मेरे ख्याल से टफ होने वाला है और हाँ बिल्कुल तो इंडिया के 14 चला गया है 14-10 हो गया है 14-10 स्कोर हो गया है क्योंकि रमिता ने ज्यादा स्कोर किया था ह्योन पार्क से तो भाई रमिता के स्कोर की वजह से 13-11 हो गया और मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा था कि जो खिलाड़ी ज्यादा स्कोर करता है अपने अपने पार्टनर से सामने वाले ओपोनेंट से वैसा होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है 13-11 हो गया भाई तो हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे इधर तो कुछ और हो गया ली ने लगा दिया है 10.9 भाई ठीक है बढ़िया चल रहा है ठीक है कोई बात नहीं लेकिन 12 सीरीज के बाद टीम इंडिया 13-11 से लीड कर रहा है और 12 सीरीज चल रही है सीरीज 12-13-11 देखना होगा क्या टीम इंडिया वापस से लीड ग्रैब कर पाते हैं और 10.9 के बाद सीधा 10 लगाया है ईली ने तो खुश बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं और टीम इंडिया ने इसमें बना ली है बढ़त तो शानदार 15-11 हो गया है और टीम इंडिया मात्र एक शॉट दूर है एक बेस्ट शॉट मेडल ग्रैब कर लेगी मेहुली घोष दिखती हुई यहां पर दिव्यांश सिंह पनवर दूसरी तरफ पूरा कंपोस्ट नजर आते हुए दो शॉट्स गड़बड़ गए थे 9.8-9.9 लेकिन उसके अलावा बाकी अपने आप को पूरा कूल काम रखा है और पूरा कामनेस का गेम होता है यार एकाग्रता का गेम होता है जैसे कि बार बार हम बात करते हैं शूटिंग और एक शॉट दो एक्चुअली बेस्ट शॉट और टीम इंडिया के हाथ में होगा एक और ब्रॉन्ज मेडल टैली में पहुंच जाएंगे हम मतलब कहीं नहीं पहुंचेंगे 6 पर ही रहेंगे लेकिन 12 मेडल हो जाएंगे हमारे ब्रॉन्ज मेडल हम पक्का ही रहेंगे अपना तो भाई 13 सीरीज देखना होगा क्या टीम इंडिया मैच एंड कर पाता है यहां से या नहीं भाई कौन सा गेम चल रहा है भाई शूटिंग का गेम चल रहा है इस वक्त और ब्रॉन्ज मेडल मैच चल रहा है तो टीम इंडिया ब्रॉन्ज मेडल मैच खेल रही है और 10.9 पार्क ने लगा दिया है टीम इंडिया 13
हो गया है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया का स्कोर काफी शानदार स्कोर था, टीम इंडिया पीछे नहीं रही, लेकिन सामने वाली रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने 10.9 10.7 जो कि काफी शानदार है उसके साथ फिनिश कर दिया। टीम इंडिया को वहां से गैदर अराउंड करना पड़ेगा और 15-13 हो गया अब स्कोर। सीरीज 14 मेरे ख्याल से आखिरी सीरीज हो सकती है, लेकिन जिस तरह का फॉर्म लेकर आया है 10.9 10.7 10.9 दो बार कोरिया लगा चुकी है, इंडियन टीम 10.8 जो 10.8 था वो हाईएस्ट था। सीरीज 14 क्या रिपब्लिक ऑफ कोरिया बराबरी करेगा या टीम इंडिया ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर जा रही है, देखना होगा। दो इंपॉर्टेंट शॉट्स होने वाले हैं टीम इंडिया के लिए, रमिता जिंदल और दिव्यांश सिंह पनवर शूटिंग में 10 मीटर राइफल मिक्स टीम इवेंट 10.4 10.7 टीम इंडिया को आगे आना होगा यहां से और 10.1 10.6 टीम इंडिया 15-15 हो गया है भाई, 15-15 हो गया है। रमिता जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी वहां पे उन्होंने लूज कर दिया है अपना मोमेंटम, 10.1 लगाया है जो कि ठीक नहीं था फाइनल स्टेजेस में आके, हालांकि 0.4 का डिफरेंस था जो कि मेडल के लिए भाई काफी होता है, 0.1 भी काफी होता है। तो भाई कौन सा गेम चल रहा है प्रीत जी, शूटिंग का चल रहा है, शूटिंग लाइव किस चैनल पर आ रहा है पदयार गेमिंग भाई, शूटिंग लाइव इंग्लिश स्ट्रीम 2 पर आ रहा है सोनी लिप पर भाई लोग, और इसके अलावा देखना होगा कैसे हम यहां से मेडल ग्रैब कर पाते हैं या नहीं, ये फाइनल शॉट होने वाला है। और मैं चाहूंगा कैफ आप थोड़ी देर आगे यहाँ बैठिए, हाँ आपको बैठना पड़ेगा जी जी जी, और देखना होगा यार यहाँ पे शूटिंग का इवेंट चल रहा है। हाँ अच्छा कर दीजिए फिर आ जाइए। 10.6 10.4 टीम इंडिया क्या यहाँ से शॉट कर सकता है अच्छे या नहीं, 10.8 10.2 और इवन हो गया यार स्कोर 21-21 भाई, ये शानदार 16-16 दोनों ही टीमों ने 16-16 के साथ फिनिश कर दिया है, 16 दोनों ने साथ में करे हैं और लास्ट में आके जो टीम इंडिया के पास मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। अब मेरे ख्याल से रैपिड फायर होगा क्या शूट आउट होगा और हमारे साथ कैफ जुड़ गए, 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट यहां पर खेला जा रहा है और 16 पॉइंट्स के बाद 14 सीरीज के बाद कैफ जो स्कोर है वो इवन इवन हो गया 16-16 और देखना होगा 16 सीरीज के बाद अब कैसे यहां पे काफी रोमांचक मैच चलता हुआ यहां पे कोरिया यहां पे बिल्कुल बीच में बिल्कुल। और 3:45 3:45 पे वापसी करनी होगी, हाँ नहीं भाई मैं मतलब अभी बात करते हैं 10.5 10.5 नहीं पहले आना पड़ेगा तेरे को क्योंकि वो एक और इवेंट होगा ना, मैं तब तक निकल चुका हूँ। तो 10.5 10.5 और टीम इंडिया ने एक बार फिर से बढ़त तो नहीं बनाई है, लेकिन हाँ जो 15 सीरीज है वापस 17-17 का स्कोर हो गया है और भाई अच्छे से चल रहा है इवेंट, तो देखिए शानदार चल रहा है। रमिता जिंदल जो कि एक ऑलरेडी एक और मेडल ग्राफ करने की होड़ में है, मेडल ग्राफ कर चुकी है, ये देखा जाए मैच बचाया भी है रमिता जिंदल ने, हाँ कह सकते हैं यार। दिव्यांश सिंह पनवर 9.9 9.8 के स्कोर फॉर्म में दिखे नहीं है दिव्यांश, और तो रमिता ने ही आई गेस ये मैच बचाया है, तो देखना होगा कहाँ जाता है ये मैच, मैच तो अभी तो ड्रॉ चल रहा है दोनों के बीच में, यार ड्रॉ चल रहा है लेकिन एक पॉइंट के भी डिफरेंस से अगर डिफर करता है स्कोर तो वहां पर अवार्ड किया जाता है जिसके पास ज्यादा पॉइंट होते हैं। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया इस वक्त लीड पर है, टीम इंडिया भी 17 के स्कोर के साथ बनी हुई है और रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी 17। ली पार्क दूसरी तरफ दिव्यांश पनवर और रमिता, कौन लगाएगा बेहतर शॉट, 10.9 सबसे बेहतर शॉट होता है 10.9 शूटिंग में और 10.9 लगा दिया है और दूसरी तरफ 10 तो टीम इंडिया 10.8 शानदार, तो 10.1 से ज्यादा लगाना है दिव्यांश सिंह पनवर को, 10.1 ही लगाया है करेक्ट और टीम इंडिया बराबर एक बार फिर से दूसरे से 10 मतलब जो चाहिए होता है वही कर देते हो, थोड़ा सा ज्यादा चाहिए एक्स्ट्रा की डिमांड कर रहे हैं, 19 बीच वाला मैच चल रहा है ये बिल्कुल बिल्कुल। गणेश भाई कह रहे हैं गणेश भाई वाओ कंपटीशन एट इट्स पिनाकल, बिल्कुल यार एकदम नेक टू नेक फाइट चल रही है, हम एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं दिव्यांश सिंह पनवर से क्योंकि उनके पास पिछला एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, कॉमनवेल्थ का है इसके अलावा ओलंपिक का भी है, तो हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन पता नहीं मतलब इतना कंपोज नजर आ नहीं रहे जितना रमिता लग रही है आज, और रमिता देखा जाए तो 19 साल की है और यही वजह रही है कि रमिता के पास पिछले मैच में भी जब हमने ब्रॉन्ज मेडल मैच देखा था मेहुली घोष को पीछे छोड़ दिया था और मेहुली घोष अभी तक का परफॉर्मेंस उनका ज्यादा अच्छा रहा था, लेकिन इसके अलावा रमिता जिंदल ने ग्रैब किया था ब्रॉन्ज मेडल, पीछे रह गई थी कोरिया और
चाइनीज टीम के अगेंस्ट, लेकिन अब नेक्स्ट सीरीज में देखना होगा क्या टीम इंडिया अब लीड ले पाती है या नहीं गेम में। इंडिया के लिए काफी एक अच्छी बात है कि 19 साल की लड़की ऐसे बड़े स्टेज पे इतना कंपोज होकर गेम खेले, गेम संभाला उसने, तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। सीरीज 18 चल रही है और दिव्यांश सिंह पनवर कंपोज होके शॉट लगाना होगा। टाइम ले लीजिए, टाइम आपके पास अच्छा खासा है, लेकिन अच्छा खासा टाइम लेके आप शॉट खेल सकते हैं। तो दिव्यांश सिंह पनवर और रमिता जिंदल टीम इंडिया की रिपब्लिक ऑफ कोरिया के अगेंस्ट सीरीज 18 के बाद स्कोर है 18-18 और 10.8-10.7 इंडिया के लिए काफी टफ होने वाला है। ये सीरीज 18 काफी ज्यादा टफ होने वाली है टीम इंडिया के लिए। अगर 10.6 और टीम इंडिया ने ये लूज कर दिया और ब्रॉन्ज जीत लिया है और टीम इंडिया फोर्थ फिनिश किया है और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने ब्रॉन्ज जीत लिया है, तो एक और मेडल हम खोते हुए शूटिंग का इवेंट जो कि नेक टू नेक फाइट चल रही थी 18 सीरीज तक मुकाबला गया। आई थिंक ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा इंडिया के लिए कि जिस तरह की लीड लेके इंडिया चल रही थी स्टार्टिंग में, और वहां 13-9 चल रहा था, फिर 15-11 हो गया, वहां से हमने 15-15 कर दिया और फिर से टाई ब्रेकर में गया, तो वहां पर एक शॉट पॉइंट थे तब तक इनका खाता भी नहीं खुला था कोरिया का। नहीं नहीं इंडिया का खाता 9-3 चल रहा था तब, 9-3 चल रहा था। तो यार वहां से वापसी करना आई थिंक कोरिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडिया के लिए एक डिसअपॉइंटिंग बात है, बिकॉज इंडिया वापसी करने के लिए जाना जाता है, ऐसे गेम थ्रो करने के लिए नहीं, तो आई थिंक ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है इंडिया के लिए। और उससे ज़्यादा मेरी कहते दिव्यांश सिंह पनवर के लिए, क्योंकि रमिता का गेम तो अच्छा था और दिव्यांश सिंह पनवर इस थ्रू आउट द जो एशियन गेम्स चला है उनका, वो खुद से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट ऑलरेडी होंगे आरकेएफ, क्योंकि अभी तक जिस तरह के गेम प्ले हम डिमांड करते हैं दिव्यांश सिंह पनवर से, वैसा उन्होंने डिमांड मतलब हमारी पूरी नहीं कर पाई। लेकिन कोई बात नहीं, हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। आज के मेडल इवेंट सबसे पहले आपको अपडेट कर देता हूं कि आज के मेडल कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं। एक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में आपको देखने मिलेगा 10 मीटर एयर राइफल ब्रॉन्ज मेडल मैच था, क्वालिफिकेशन मैच, लेकिन टीम इंडिया वहां पर गंवा चुका है मुकाबला, तो शूटिंग से एक बुरी खबर आती हुई। लेकिन इसके अलावा स्कीट क्वालिफिकेशन इवेंट चलेंगे, टीम फेज वन खेलेगी अब से कुछ ही देर में। वेमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट खेलेंगे, खेले जाएंगे और खेले जा रहे हैं टीम और इंडिविजुअल दोनों, वहां पर आपको मनु भाकर देखने मिलेंगे, रिदम सांगवान देखने को मिलेंगी। हाँ, वन ऑफ मेरी फेवरेट रिदम सांगवान आपको देखने मिलेंगी वहां पर। क्यों फेवरेट है आपकी? हाँ भाई अच्छे खिलाड़ी है इसलिए फेवरेट है, अच्छी शानदार खिलाड़ी है, बहुत अच्छी। तो भाई फेंसिंग से भवानी देवी ने मेडल कंफर्म कर लिया और हिस्ट्री स्क्रिप्ट कर दी है, वहां से आपको एक ना एक मेडल आने की उम्मीद जरूर मिलेगी। जूडो से अवतार सिंह ने नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई कर लिया है नेक्स्ट राउंड के लिए। 100 kg इवेंट में अवतार सिंह ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंदुबाला देवी ने 78 kg में हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद तुलिका मान 78 kg वेमेंस कैटेगरी में आपको देखने मिलेंगी कुछ ही देर में। इसके अलावा सेलिंग में आपको कई सारे इवेंट्स आज देखने मिलेंगे, मल्टीपल एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल भी होगा, ट्रैक मतलब मल्टीपल भी होगा वहां पे देखने मिलेंगे। और बात की जाए तो स्क्वाश वॉलीबॉल वुशु के भी इवेंट आज लगातार 17 खेले जाएंगे। शाम को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम का मैच भी खेला जाएगा। भाई NIT कॉलेज में शूटिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं है, हम लोग भी अच्छा कर रहे हैं अगर अपॉर्चुनिटी दे गवर्नमेंट। भाई अब ये तो देखिए हर्षित भाई, गवर्नमेंट अथॉरिटीज ही जानती हैं कि वो, और हाँ लिटरली अभी थोड़ी देर पहले कार्तिक ने भी थोड़ी देर पहले ये बात बोली थी कि जिस लेवल का बजट एलोकेशन होता है स्पोर्ट्स में, वो हम एक्सपेक्ट इतना करते हैं कि यार हम 1.5 बिलियन की कंट्री है और हमें बहुत सारे मेडल्स लाने चाहिए। भाई तुम अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो 10 प्लेयर्स को, अपॉर्चुनिटीज़ हालांकि मिल रही है अब खेलो इंडिया मूवमेंट और मतलब कई तरह की अब तो शुरुआत हो गई है, साई ने भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिया, इंडियन गवर्नमेंट अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। और जब से एक्टिव हुए तब से हम देख भी तो रहे हमारे कितने सारे एथलीट्स निकल के आए हैं, बिल्कुल ओलंपिक पोडियम स्कीम है यार वहां पर। हमारा जो मेडल पोडियम होता था वो बस रेसलिंग या शूटिंग तक ज्यादा होता था, बिल्कुल, बट अब हम सारे स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं। अभी हमने रोइंग में मेडल जीता है, उससे बड़ी बात हमने जेवलिन में, अब मेडल तो हमारा पक्का ही हो गया जेवलिन में एक तरह से, हर एक इवेंट मेडल पक्का है, लेकिन देखना होगा क्या वो मेडल का कलर चमकीला सुनहरा सा होगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वो तो उम्मीद तो हमें नीरज चोपड़ा से देखो गोल्ड की, उससे कम की यार एक्चुअली गोल्ड की हम करते तो है, लेकिन कल शायद से हम ये बात कर रहे थे कि जिस तरह से खेलते हैं पाकिस्तानी एथलीट,
बिल्कुल भाई नदीम, वहां नदीम। पर नदीम देखना पड़ेगा, अशरफ नदीम बिल्कुल यार। लेकिन अगर वो जीतते भी है ना तो इतना इतना दुख नहीं होगा, बिकॉज उनकी जैसे स्टोरी रही है ना यार। स्टोरी हम क्या देखो, हम स्टोरी का देखो सच में अचार तो डालेंगे नहीं। इन द एंड हमें दीपक नीरज चोपड़ा से हमें चाहिए मेडल ही गोल। तो भाई हम ये सब बातें बोलने में अच्छी लगती है कि स्टोरी अच्छी है, हमें नीरज चोपड़ा से गोल चाहिए। और एक तो अशरफ नदीम, हाँ स्टोरी अच्छी रही है और नीरज चोपड़ा के दोस्त हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इवन दो हमें चाहिए गोल, और अशरफ नदीम एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं इस वक्त पर एशियन गेम्स में जो कड़ी टक्कर दे सकते हैं नीरज चोपड़ा को। तो भाई 10 मीटर गोल्ड मेडल मैच रिपब्लिक ऑफ कोरिया उज्बेकिस्तान के बीच खेला जाएगा। भाई का एक कमेंट आया, कामनेस रिक्वायर्ड इन शूटिंग एंड नो वन कैन मैच जी एडवांस स्टूडेंट्स इन दिस फील्ड। बिल्कुल बिल्कुल, जी एडवांस स्टूडेंट्स को कोई मैच नहीं कर सकता, तीन तीन चार चार साल का उनको बहुत बहुत एक्सपीरियंस होता है, प्रिपेयर करने में लग जाते हैं, वो होता है उनमें कामनेस आ जाती है। वो हो गए यूपीएससी स्टूडेंट्स हो गए। चलिए ये भी ठीक है, मतलब ठीक ही है, सब चलता रहता है साइमल्टेनियसली। लेकिन भाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा शूटिंग अपडेट्स, दिव्यांश सिंह पनवर और रमिता जिंदल बाहर हो गई हैं। आज तीसरे दिन बहुत सारा एक्शन आपको देखना बाकी है अभी भी, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स अभी भी ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर स्टेक है, गोल्ड है स्टेक पर। तो भाई देखने मिलेगा, आप कंटिन्यू रखिए, तब तक मैं बताता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ऊपर के और कमेंट ले लिए भाई, अमनु ही बेकर, अच्छा मनु भाकर का क्या अपडेट है? इन्होंने पहले स्पेलिंग थोड़ी वैसे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मनु भाकर का भी मैच चलता हुआ यहाँ पे शूटिंग का, अभी उसकी इतनी कोई अपडेट आई नहीं है, वो जब आएगी तो हम आपको बता देंगे। एक्चुअली 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट का गोल्ड मेडल मैच चल रहा है, और इसके ठीक बाद मेरे ख्याल से इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन मैचेस है अभी तो पिस्टल राउंड में। तो 25 मीटर में आपको मनु भाकर गीत खेलते देखने मिल जाएंगे। निशान सिंह कबड्डी भाई पूछ रहे हैं कि वॉलीबॉल कब है, तो वॉलीबॉल आज दिन के टाइम 3:45 पे हमारा लाइव स्ट्रीम चालू हो जाएगा। इंडिया और थाईलैंड का मैच है, पाकिस्तान भाई वॉलीबॉल इंडिया पाकिस्तान का मैच है के लिए। इंडिया पाकिस्तान का इतना बड़ा मैच है आज वॉलीबॉल का, और दिन के टाइम होगा 4 बजे से या 4:45 बजे से हम लाइव स्ट्रीम चालू कर देंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा वॉलीबॉल का लाइव मैच। भाई निशांत भाई वॉलीबॉल का लाइव मैच, निशांत भाई कबड्डी बहुत बढ़िया है, कबड्डी के इवेंट 2 तारीख से शुरू है, लेकिन आज वॉलीबॉल मुकाबला खेला जाएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एक पेनल्टीमेट राइवलरी, एक थ्रिलिंग एनकाउंटर। हम सभी डिमांड करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जब भी होता है तो एक अलग रूपरेखा होती है, एक अलग ही लेवल का मैच होता है, एक अलग ही लेवल की इंटेंसिटी होती है मैच में। इंटेंसिटी होती है, एक्साइटमेंट होती है काफी ज्यादा, इंटेंसिटी फील्ड पे होती है, एक्साइटमेंट ऑडियंस के बीच होती है, ऑडियंस के बीच होती है बिल्कुल, और इंटेंसिटी फिर वापस सोशल मीडिया पे भी होती है, सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आज दिन की शुरुआत हमने अच्छी करी है, सबसे पहले तो इक्वेस्ट्रियन इवेंट चल रहे हैं, इसके अलावा 16-1 से हमने सिंगापुर को हराया हॉकी में। स्क्वैश विमेंस टीम जो थी, टीम इवेंट था वहां पर, विमेंस टीम ने 3-0 से पाकिस्तान को पटखनी दे दी है, स्ट्रेट सेट्स में तीनों ही गेम हमने जीते और जीता गया, डोमिनेट किया हमने पाकिस्तान को बिल्कुल। और हमारी जो लड़कियां अनाहत खास करके काफी अच्छा टैलेंट इंडिया निकला भाई, और 4x100 मीटर मेडले चल रही है मेंस की स्विमिंग में, वहां पर भी आपको देखने मिलेगा। हालांकि वहां पर डोमिनेंस जापान चाइना का बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडियन टीम भी पीछे नहीं है, 3rd नंबर पर चल रही है इंडियन टीम रिले इवेंट में, 2nd नंबर पर चल रही है माफ कीजिएगा रिले इवेंट में, स्विमिंग की कैटेगरी 4x100 मीटर रिले मेडले माफ कीजिएगा स्विमिंग में चल रहा है, और इंडिया जापान के बाद 2nd नंबर पर चल रहा है, मात्र 1 सेकंड का मार्जिन है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं स्विमिंग के इवेंट चल रहे हैं, और स्विमिंग मेडले 4x100 मीटर के मेडले चल रहे हैं स्विमिंग कैटेगरी में, टीम इंडिया के श्रीहरि नटराज भी यहाँ पर दिखाई देंगे मेडले में, इसके अलावा संतोष जाकर भी दिखाई देंगे, और टीम इंडिया इस वक्त चल रहा है 2nd नंबर पर, 2 सेकंड का मार्जिन हो गया है। लेकिन जो 3rd नंबर की टीम है सिंगापुर, उसका मार्जिन इंडिया जापान से 3.5 मिनट का है, तो मतलब 1.5 मिनट हम यहां से लीड कर रहे हैं सिंगापुर से। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया यहां पर इरादा जरूर होगा कुछ ना कुछ ग्रैब करने का 4x100 मीटर मेडले मेडल मैच है, देखना होगा। अभी तक तो ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेडल मैच है या नहीं, लेकिन जापानीज टीम लीड कर रही है, टीम इंडिया का मार्जिन बढ़ता हुआ, लेकिन चाइनीज ताइपे का भी बढ़ता जा रहा है टीम इंडिया से। वैसे इंडिया की स्पीड अच्छी है तो आई गेस वो लीड कर सकते हैं एंड तक, और एंड तक कर गए तो आई गेस मेडल के लिए तो वो क्वालिफाई कर ही जाएंगे, कर जाएंगे। 4x100 मीटर स्विमिंग के मैचेस चल रहे हैं, मेडले इवेंट चल रहा है, और मोर ऑफ अ रिले कह लिए तो ज्यादा बेहतर होगा, और टीम इंडिया के 3rd स्विमर
जाते हुए और देखना होगा, जल्दी से जल्दी जाना होगा। लेट हो गए ये, थोड़ा सा लगता है स्पीड अप उनको करना पड़ेगा जाती। बिल्कुल, और मेडले इवेंट है तो देखना होगा टीम इंडिया एडवांस कर पाता है या नहीं 4x100 meter स्विमिंग की कैटेगरी में। भाई गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम जालंधर, गुरु नानक स्टेडियम अमृतसर में बेसिक सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक है, एस्ट्रो टर्फ, इंडोर मल्टी स्पोर्ट्स हॉल। भाई प्रीत जी आप लकी है, फिर बहुत ज़्यादा लकी है। हालांकि मेरे भी कॉलेज जो था वहाँ पर भी कुछ अच्छी ऐसी सुविधाएं थी ऐसी स्पोर्ट्स की। बिल्कुल थी, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। वहाँ बहुत सारा आस पास जो था ग्राउंड ही ग्राउंड थे, बहुत ग्राउंड थे, ग्राउंड के बीच में था हमारा कॉलेज तो भाई वहाँ इतना बड़ा ग्राउंड था कि वहाँ पे बस एक इंडोर गेम हो सकता था, वो भी लैपटॉप पे बैठ के हम पबजी खेल सकते थे उस ग्राउंड पे। कोई बात नहीं, सेकंड फिनिश किया है इंडिया ने और जापान ने फर्स्ट रही है, इंडिया सेकंड और चाइनीज ताइपे रही है थर्ड नंबर पर। तो इसी के साथ एक और इवेंट में हमने एडवांस कर लिया है टीम इंडिया 4x100 meter मेडले स्विमिंग की कैटेगरी में। आपको टीम इंडिया देखने को मिल रही थी, जापानीज टीम ने फर्स्ट क्वालिफाई किया है, सेकंड नंबर पर रही है टीम इंडिया, थर्ड पर रही है चाइनीज ताइपे। तो की शानदार परफॉर्मेंस इंडियन स्विमर्स से देखने को मिला है, हालांकि डिफरेंस काफी ज्यादा हो गया था पॉइंट्स का, सेकेंड्स का वहां पर जापान और इंडिया के भी, लेकिन इसके बावजूद अभी भी चल रहा है भाई चल रहा है भाई अभी। अच्छा, तो ठीक है, मेरे ख्याल से अब लास्ट राउंड होगा क्योंकि तीन स्विमर जा चुके हैं। तो भाई यहाँ पर प्रीत जी कह रही हैं, तो डिफरेंट प्रीत भाई कह रहे हैं, भाई जी मतलब जो भी हो क्लैरिफिकेशन भी दे दीजिएगा, लेकिन डिफरेंशिएट बिटवीन स्पोर्ट्स लाइक बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एक के समझ नहीं आ रहा है, जूडो या रेसलिंग कुछ भी हो सकता है, वेट लिफ्टिंग है मेरे ख्याल से लास्ट वाला, नेटबॉल एटसेट्रा भी नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा। एक्चुअली कह सकते हैं प्रीत जी कि अभी जो हमारे मेन स्पोर्ट्स हैं उसमें ये सारे ही स्पोर्ट्स नहीं आते। हाँ, बैडमिंटन अब आने लगा है, बैडमिंटन अभी क्या, बैडमिंटन काफी टाइम से, जब एक्चुअली हाँ प्रकाश पादुकोण से आ रहा है, प्रकाश पादुकोण के टाइम से आ रहा है बिल्कुल, लेकिन ठीक है, लेकिन अभी बाकी बहुत सारे स्पोर्ट्स में अभी हमें आना बाकी है। इनफैक्ट कबड्डी में भी हमें दिखता है सेकेंड लार्जेस्ट जो हमारी स्ट्रीमिंग होती है क्रिकेट के बाद इंडिया में, वो कबड्डी की होती है, पीकेएल की होती है। मुझे लगा खेलनाओं की बात कर रहे हैं। नहीं, खेलनाओं की तो देखिए होती है, खेलनाओ टॉप पे है कबड्डी पे भाई, तो प्यार है आप सभी लोगों का कि आप कबड्डी को इतना प्यार देते हैं, स्ट्रीमिंग को, इंडियन फुटबॉल और इंडियन स्पोर्ट्स, ये कोई अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। पहले सारे डिस्ट्रिक्ट में बेसिक फैसिलिटीज लाइक सिंथेटिक ट्रैक, सॉकर, एस्ट्रो टर्फ एंड इंडोर स्पोर्ट्स हॉल्स अपग्रेड करें, देन वी नीड टू बिल्ड फैसिलिटीज इन ब्लॉक्स। बिल्कुल, यहाँ पर लेवल बाय लेवल काम करना पड़ेगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यही है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो हमारे पास प्लेयर्स ऑलरेडी इतने हैं कि हम उनको पुश कर सकते हैं अच्छे अच्छे प्लेयर्स को। एंड एट द सेम टाइम ओलंपिक पोडियम स्कीम जो कि मोदी गवर्नमेंट द्वारा लाई गई थी, वहां से हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली है कि बहुत सारे प्लेयर्स ने आना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि जैसे चाइना है, कोरिया है, तो वो चार चार पांच पांच साल अपने एक ही प्लेयर पे इन्वेस्ट करती है, करते रहते हैं। जैसे हम क्रिकेट के लिए एक एक प्लेयर पे इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही हमें ओलंपिक स्पोर्ट्स में भी करना चाहिए, अपने एथलीट्स पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई थिंक वहां से थोड़े और मेडल्स आने के चांसेस हैं। और प्रीत जी ये भी आगे कह रहे हैं कि आई थिंक ऑल ब्लॉक्स एंड तहसील्स ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट मस्ट कंस्ट्रक्ट मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स हॉल्स एंड वुडन फ्लोर्स एंड मल्टी कलर कोर्ट लाइन मार्किंग फॉर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, मतलब नहीं, एक्चुअली इस इमोजी का मतलब स्पोर्ट्स होता है, अब मुझे पता चला, जो स्पोर्ट्स लिखोगे ना तो ये पूरा इमोजी बन के आ जाता है। ओके, नहीं स्टिल मतलब जितने भी ऐसे टाइप के स्पोर्ट्स हैं जितने हमको अभी तक लाइमलाइट में नहीं दिखे, मैं उन सारे स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। आफ्टर वी बिल्ड इंडोर स्पोर्ट्स हॉल्स इन ऑल ब्लॉक्स, देन वी शुड बिल्ड अ स्मॉल और मीडियम साइज इंडोर स्टेडियम ऑफ सीट कैपेसिटी रेंजिंग 1-5,000 सीटिंग कैपेसिटी फॉर ऑल 20x25 इंडोर स्पोर्ट्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। स्टेप बाय स्टेप काम है, हालांकि लंबा प्रोसेस है प्रीत जी, लेकिन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट काम कर रही है, बजट एलोकेशन स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि जितना अभी तक काम हुआ है वो पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। और अभी की आप अगर आप बात करेंगे तो अनुराग ठाकुर भी है, वो भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट रहते हैं स्पोर्ट्स में, वो एक्टिव भी रहते हैं बहुत ज्यादा। हमने लास्ट इवेंट जो हमने कवर किया था, आपने हमारे चैनल पर देखा भी होगा, बिल्कुल
तो वो वहाँ भी एक्टिव थे और वहाँ पे अब ये भी है कि अब उन्होंने अपने साथ पीटी उषा को भी इन्वॉल्व कर लिया, तो उनको एक स्पोर्टिंग आइडिया लगता रहता है कि अगर आपके साथ एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको एक आइडिया मिलता रहता है कि कौन से ब्लॉक पे कौन से लेवल पे किस चीज़ किन चीज़ों की जरूरत है और एथलीट्स कैसे निकलते हैं वो उनसे बेटर किसी को नहीं पता होगा पीटी उषा। और इससे पहले भी यार अगर आप मतलब मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं जाऊँगा लेकिन अगर आप जो रूलिंग गवर्नमेंट है हमारी उसका आप देखेंगे ढांचा देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एमपीस एमएलएस भी है जो खुद स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं यार, राजवर्धन सिंह राठौर को ले लीजिए, कई सारे खिलाड़ी हैं यार ऐसे जो एमपी से एमएलए हैं तो उनको पता है कि किस तरह से रन करती है गवर्न करती है अपने। मनोज तिवारी बिल्कुल, मोदी लीडरशिप हैज डन अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स देन एनी पीएम इन इंडियन हिस्ट्री, बिल्कुल मतलब मैं वही बात कर रहा था और उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन ये रहा है गौतम गंभीर को ले लीजिए तो भाई उसका एक मेजर रीजन ये रहा है कि उन्होंने मोदी गवर्नमेंट ने रूलिंग गवर्नमेंट जो है हमारी सेंटर में उन्होंने बहुत सारे जो एमपी एमएलए हैं उनके वो स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं समझते हैं यार, मतलब राजवर्धन सिंह राठौर भी जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उन्होंने भी बहुत काम किया है, हालांकि लूपहोल्स हर चीज में होते हैं यार, हम क्रिटिसाइज करने लगते हैं लेकिन क्रिटिसाइज की यहाँ पर क्रिटिसिज्म की बात तब आती है जब आपका कुछ काम ना हो रहा हो। यहाँ पर चीजें देखने मिली, ओलंपिक पोडियम स्कीम एक बहुत ही शानदार मतलब एडवांसमेंट था स्पोर्ट में, टीम इंडिया को एज अ यूनिट स्पोर्ट में आगे लाने का एक बहुत ही शानदार चीज थी। इसके बाद हमें देखने को मिली खेलो इंडिया मूवमेंट जो कि लिटरली खेलो इंडिया गेम्स एक मूवमेंट ही है जो कि टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा शानदार हुआ। मनु भाकर निकल के आई, बिल्कुल एथलीट्स निकले, बड़े बड़े बहुत निकले यार खेलो इंडिया मूवमेंट से। मनु भाकर जो कि एक बहुत बड़ा नाम है वो निकले, इसके अलावा मुरली श्रीशंकर वहां से निकले, नीरज चोपड़ा भी वहीं से थे, नीरज चोपड़ा ओलंपिक पोडियम स्कीम की देन है, यूनिवर्सिटी गेम्स की देन है बेसिकली, तो वहां से। और इन्होंने 2016 से इंडिया लाइमलाइट में आए थे जब इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पोलैंड में हुई थी, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 86 का थ्रो किया था जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो जूनियर वर्ल्ड कप्स में नीरज चोपड़ा 2016 में लाइमलाइट में आए थे फॉर द फर्स्ट टाइम जब क्लॉक किया था 86 पॉइंट समथिंग समथिंग पे, 86 काफी बड़ी बात यार, एक्चुअली बड़ी बात है क्योंकि हम देखते हैं जर्मन थ्रोअर्स होते हैं सबसे ज्यादा जो तगड़ा फेंकते हैं, 90 क्लॉक कर देते हैं, जूलियन वेबर सबसे बड़ा नाम जर्मनी की अगर हम बात करें और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जर्मन खिलाड़ी के ही नाम है। तो भाई वहां पर यार अगर बात करें तो वहां पर आके बड़े खिलाड़ी आपको देखने मिल रहे हैं, तो यार आगे ढेर सारा एक्शन आपके लिए ट्यून्ड रहेगा, थोड़ी देर में इवेंट शुरू हो जाएंगे, शूटिंग के भी 10 मीटर पिस्टल इवेंट शुरू हो जाएंगे, 25 मीटर पिस्टल इवेंट शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अभी के लिए हमें थोड़ा सा थम जाना चाहिए, लेकिन आज ढेर सारी आपसे बातचीत करी मोदी लीडरशिप एज डन, बिल्कुल पेज जी ढेर सारा आप लोगों ने प्यार दिया है, ऐसे ही ढेर सारा प्यार आगे भी देते रहिएगा। जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, प्रीत जी हो गए, अनुराग भाई हो गए, इसके अलावा निशान भाई, आर्यन भाई, गणेश जी, पद्यार गेमिंग भाई, अंशुमान दास भाई, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अमरपाल सिंह जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। लगातार हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। मदन लाल जी, कुप शर्मा भाई, जितने लोग भी हमारे साथ आज जुड़े थे, थैंक यू सो मच। आज की स्ट्रीमिंग के लिए बस इतना ही, ऐसे ही खेलना टीवी के साथ लगातार बने रहिएगा क्योंकि हम आप तक रेगुलर अपडेट्स और वॉच अलॉन्ग्स भी लेकर आते रहेंगे कुछ ही देर में, मतलब कुछ ही देर में, हालांकि थोड़ा सा टाइम अभी है, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच वॉलीबॉल मैच आपको शाम को 3:45 बजे हमारी वॉच अलॉन्ग के थ्रू देखने मिल जाएगा। मतलब दिखाएंगे तो नहीं, लेकिन आप अपडेट्स आपको देते रहेंगे, स्कोर लाइन आपको बताते रहेंगे और आपके साथ बैठ के मैच देखेंगे। दिखाएंगे तो चाइना वाले भी नहीं, वो भी नहीं दिखाएंगे यार, वो चाइना वाले खुद नहीं देख रहे हैं। तो यही है कि देखना होगा कि भाई कैसे एडवांस करती है टीम इंडिया वॉलीबॉल में, क्या फिफ्थ पोजीशन अक्वायर कर पाती है या नहीं। लेकिन आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही, एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी शाम को, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।